दोस्तों बात करते हैं 2021 में रिलीज़ हुई बंगाली हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की, जिसको डायरेक्ट करा था ध्रुव बनर्जी ने और प्रोड्यूस करी गई थी बाय श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी की तरफ से। अंडर द बैनर ऑफ SVF और साथ ही फिल्म में नज़र आए थे देव, एलेक्स ओ'नील, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा शाह, इंद्रशीष रॉय, जॉन भट्टाचार्य, मिर्ची अग्नि एंड श्रीकांत आचार्य। फिल्म बेस्ड थी ऑन अ लाइफ ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी पे, जो कि फादर है ऑफ इंडियन फुटबॉल। फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस पे, हालांकि टॉनिक भी ब्लॉकबस्टर रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बट एट द एंड इट्स रन टाइम गोलंदाज वॉज अ क्लीन थ्रेडिकल ब्लॉकबस्टर। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म फेयर अवार्ड बांग्ला 2021 भी विन करा था ध्रुव बनर्जी ने फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म। स्टोरी लाइन में जो कि बेस्ड रही है ट्रू इवेंट्स पर, डिपिक्ट करती है इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, जो कि फादर हैं ऑफ इंडियन फुटबॉल के, पहले इंडियन हैं टू प्ले द स्पोर्ट एंड ओपन अ प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब इन द कंट्री। विद दिस कास्टिंग की बात करें तो देव नज़र आए थे इन द कास्ट ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, अंकित मजुमदार एज यंग नरेंद्र प्रसाद, एंड विद दैट उनके साथ देखे गए थे अंकित मजुमदार यंग नरेंद्र प्रसाद के किरदार में, और साथ ही एलेक्स ओ'नील एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन, अनिर्बन भट्टाचार्य एज भार्गव उपाध्याय, ईशा शाह एज कामालिनी देवी सर्वाधिकारी यानी कि नागेंद्र की वाइफ के रोल में, इंद्रशीष रॉय एज कैप्टन जितेंद्र बनर्जी और जॉन भट्टाचार्य एज विनोद भट्टाचार्य, तुम्हें श्रीकांत आचार्य एज सूर्य कुमार सर्वाधिकारी, जॉयदीप मुखर्जी एज प्रसन्न कुमार सर्वाधिकारी। विद दैट एंड उनके साथ में काफ़ी और स्टार कास्ट रही है, जैसे कि तुलिका बासु एज नागेंद्र मदर, प्रंतिक चौधरी एज देशबंधु चित्रंजन दास, अग्निजीत सेन एज नरसिंह प्रसाद सेन शर्मा, उजान चाटर्जी एज मोनी दास, अमिताभ आचार्य एज सुरो दास, अनिर्बन सिकदार एज दुखी राम, विश्वजीत जाट एज ज्योता दिहारी। विद्यार्थ नज़र आए थे और भी, जैसे दुलाल दे, देवेश सरकार, जाकिर हुसैन, इंद्रजीत मजुमदार, इजेक तिरिक एज अखिलेश नज़र आए, तुम्हें अभिषेक सिंह एज फिलिप। फिल्म की जो प्रोडक्शन रही थी जिसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो लिस्ट था वो रिलीज़ हुआ था 25th of January 2020 में फ्रॉम द ट्विटर हैंडल ऑफ SVF, एंड दैट लिस्ट शोज दैट देव, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा शाह, इंद्रशीष रॉय, श्रीकांत आचार्य, जॉन भट्टाचार्य आर एक्टिंग इन द फिल्म। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल जो कि रिलीज़ हुआ था 2nd of April 2020 में रिवील करा था दैट एलेक्स ओ'नील स्टार एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन एंटागोनिस्ट ऑफ द फिल्म, एंड ये तीसरी फिल्म है डायरेक्टर ध्रुव बनर्जी की, पहली बार उनका कोलैबोरेशन रहा था विद देव। हालांकि शूटिंग जो है शुरू हुई थी कोलकाता में फ्रॉम 5th of February 2020 में, कोविड की वजह से उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ी थी बीच में, बट रिज्यूम हो गई थी 1st of December 2020 में, एंड रैप्ड अप भी हो गया था प्रोजेक्ट शूटिंग बाय 24th of February 2021 तक। विद ऑल दिस जो फिल्म रही है उसको मिले थे पॉजिटिव टू मिक्स्ड रिव्यूज क्रिटिक्स की तरफ से, और प्रेस करी गई थी विद द डायरेक्शन, एक्टिंग परफॉर्मेंसेज और म्यूजिक, बट फाउंड द स्क्रीन प्ले फ्लॉर। एंड एट फिल्म फेयर अवार्ड्स बांग्ला 2021 ध्रुव बनर्जी वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म। एंड फिल्म की जो रिलीजिंग रही थी थिएटर्स में 10th of October 2021 में रिलीज हुई थी,
and with the Hindi dubbed version also released theatrically on 12th of November 2021 as officially by SVF, and it is soon to arrive as world digital premiere in our mobile phones, laptops and TVs mein in SVF official with OTT platform Hoi Choi, and internationally on Amazon Prime Video, and later as world television premiere par aayi thi on channels Star Jalsa. With that soundtrack ki baat ki jaye to background scoring jo ki compose kari gayi thi by Bikram Ghosh aur lyrics likhe gaye the by Srijito aur Sugato Guha ki taraf se. Overall दोस्तों film ki jo soundtrack rahi hai लगभग 15 मिनट का रहा है, जिसमें कि जुदंग देही गाया था निर्मल्या रॉय और शुमान गांगुली ने, वंदे मातरम गाया था निर्मल्या रॉय ने, राशीर गान गाया गया था बाय शुमान गांगुली और उज्जैनी मुखर्जी की तरफ से, विद दैट स्वप्नेरे दिन बाय शुमान गांगुली, जे चलो अमार was also by Shivon Ganguly, and Govinda Murari was sung by Iman Chatterjee. आखिर दोस्तों जो फिल्म की स्टारकास्ट रही है, जानते हैं कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका ऑन स्क्रीन पर. तो बात करते हैं दोस्तों देव की, जो कि फिल्म में मेन लीड का रोल निभा रहे थे. नागेंद्र प्रसाद का इज अ नोन फॉर अपने सेज नेम देव के नाम से जाने जाते हैं, बट एक्चुअल नेम है उनका दीपक अधिकारी, एक इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और स्क्रीन राइटर है. साथ ही साथ बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने. विद ऑल दिस रिसेंटली एज पॉलिटिशियन भी वर्क कर रहे हैं, ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स. तो वही एक्टिंग डेब्यू हुआ था उनका 2006 की फिल्म अग्निशपथ से अपोजिट रचना बैनर्जी, जिसमें कि उन्होंने फ्लैग फेस करा था अपनी कुछ रिलीज के बाद. और उनका जो रोल रहा था इन द फिल्म आई लव यू अपोजिट पायल सरकार ब्रेक थ्रू था. डायरेक्टेड बाय रवि किनाजी, फिल्म क्रिटिकली अनसक्सेसफुल थी बट वॉज कमर्शली सक्सेसफुल एंड वॉज क्विक टू रीसेलेक्ट हिज करियर डिस्पाइट द सक्सेस. उन्हें 14 महीने तक कुछ काम नहीं मिला था. फिर उनका कम बैक हुआ था सिल्वर स्क्रीन पर विद द फिल्म प्रेमा कहिनी इन 2008 अपोजिट कोयल मलिक. उनकी पहली फिल्म थी जिसमें कि वो उन्हें काफ़ी इसके बाद काफ़ी सारी फिल्म्स मिली थी. और रीमेक ऑफ द 2006 कन्नड़ हिट मुंगारू मेल फिल्म मॉडरेट सक्सेस रही थी, एंड उन्हें अपना अगला ब्रेक थ्रू मिला था विद द फिल्म चैलेंज इन 2009 विच ओपन टू क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस, एंड ही रिसीव्ड द आनंदालोक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्शन हीरो फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म. एंड कंटिन्यू रहा था उनका सक्सेस, कमर्शियल सक्सेस और वाइडर टेंशन थ्रू हिज सक्सेस फिल्म्स लाइक ले चक्का, द्वी पृथ्वी, बगलू, चैलेंज टू, कोका 420, रंगबाज, चंद्र पहर, एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी फिल्म्स के लिए उन्हें अवार्ड मिले हैं. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेंटोर भी रह चुके हैं ऑन डांस बैंगलोर रियलिटी शो डांस बैंगलोर डांस पर, जिसमें कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को रिप्लेस करा था, एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन द लोकसभा रिप्रेजेंटिंग घाटर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंस 2014 और एंड एज अ कैंडिडेट फ्रॉम द पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. अदर देन दिस बात की जाए फिल्म्स की तो काफ़ी सारी फिल्म रही हैं एज एन एक्टर एज अ प्रोड्यूसर. स्पेशल अपीयरेंसेस भी रहा है उनका कुछ फिल्म्स में, एंड एज अ सिंगर भी रहा है एज अ सिंगर रह चुके हैं इन द फिल्म लाइक चाम कोका बाबू में. तो मैं कुछ म्यूजिक वीडियोस करी हैं फॉर द एल्बम्स लाइक क्रेजी बेरी मिक्स एंड कुछ अननोन रही है. विद ऑल दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म की अगली कास्ट के बारे में, जो कि थी ईशा शाह इज़ एन वेल नोन इंडियन एक्ट्रेस इन बंगाली सिनेमा.
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी विद बंगाली टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्किट, जो कि डायरेक्ट करा गया था बाय अनन्या चटर्जी। एंड उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय फिल्म मेकर ध्रुवो बैनर्जी की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं 2021 में रिलीज हुई बंगाली हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की, जिसको डायरेक्ट करा था ध्रुवो बैनर्जी ने और प्रोड्यूस करी गई थी बाय श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी की तरफ से अंडर द बैनर ऑफ SVF। और साथ ही फिल्म में नजर आए थे देव, एलेक्स ओ'नेल, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा शाह, इंद्रशीष रॉय, जॉन भट्टाचार्य, मिर्ची अग्नि एंड श्रीकांत भट्टाचार्य। फिल्म बेस्ड थी ऑन अ लाइफ ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी पे, जो कि फादर है ऑफ इंडियन फुटबॉल। फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस पे, हालांकि टॉनिक भी ब्लॉकबस्टर रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बट एट द एंड इट्स वन टाइम गोलंदाज वॉज अ क्लीन थ्रेटिकल ब्लॉकबस्टर। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म फेयर अवार्ड बांग्ला 2021 भी विन करा था ध्रुवो बैनर्जी ने फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म। स्टोरी लाइन में जो कि बेस्ड रही है ट्रू इवेंट्स पर, डिपिक्ट करती है इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, जो कि फादर हैं ऑफ इंडियन फुटबॉल के, पहले इंडियन हैं टू प्ले द स्पोर्ट एंड ओपन अ प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब इन द कंट्री। विद दिस कास्टिंग की बात करें तो देव नज़र आए थे इन द कास्ट ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, अंकित मजुमदार एज यंग नरेंद्र प्रसाद, एंड विद दैट उनके साथ देखे गए थे अंकित मजुमदार यंग नरेंद्र प्रसाद के किरदार में, और साथ ही एलेक्स ओ'नेल एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन, अनिर्बन भट्टाचार्य एज भार्गव उपाध्याय, ईशा शाह एज कामालिनी देवी सर्वाधिकारी यानी कि नागेंद्र की वाइफ के रोल में, इंद्रशीष रॉय एज कैप्टन जितेंद्र बैनर्जी, और जॉन भट्टाचार्य एज विनोद भट्टाचार्य, तुम्हें श्रीकांत आचार्य एज सूर्य कुमार सर्वाधिकारी, जॉयदीप मुखर्जी एज प्रसन्न कुमार सर्वाधिकारी। विद दैट एंड उनके साथ में काफ़ी और स्टार कास्ट रही है, जैसे कि तुलिका बासु एज नागेंद्र मदर, प्रंतिक चौधरी एज देशबंधु चित्रंजन दास, अग्निजीत सेन एज नरसिंह प्रसाद सेन शर्मा, उजान चटर्जी एज मोनी दास, अमिताभ आचार्य एज सुरु दास, अनिर्बन सिकदार एज दुखी राम, विश्वजीत जाट एज ज्योता दिहारी। विद्यार्थ नजर आए थे और भी जैसे दुलाल दे, देवेश सरकार, जाकिर हुसैन, इंद्रजीत मजुमदार, इजेक तिरिक एज अखिलेश नजर आए, तुम्हें अभिषेक सिंह एज फिलिप। फिल्म की जो प्रोडक्शन रही थी जिसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो लिस्ट था वो रिलीज हुआ था 25th ऑफ जनवरी 2020 में फ्रॉम द ट्विटर हैंडल ऑफ SVF, एंड दैट लिस्ट शोज दैट देव, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा शाह, इंद्रशीष रॉय, श्रीकांत आचार्य, जॉन भट्टाचार्य आर एक्टिंग इन द फिल्म। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल जो कि रिलीज हुआ था 2nd ऑफ अप्रैल 2020 में रिवील करा था दैट एलेक्स ओ'नेल स्टार एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन एंटागोनिस्ट ऑफ द फिल्म, एंड ये तीसरी फिल्म है डायरेक्टर ध्रुवो बैनर्जी की, पहली बार उनका कोलैबोरेशन रहा था विद देव। हालांकि शूटिंग जो है शुरू हुई थी कोलकाता में फ्रॉम 5th ऑफ फरवरी 2020 में, कोविड की वजह से उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ी थी बीच में,
बट रिज्यूम हो गई थी 1 दिसंबर 2020 में, ड्राफ्ट अप भी हो गया था प्रोजेक्ट, शूटिंग बाय 24 फरवरी 2021 तक। विद ऑल दिस जो फिल्म रही है उसको मिले थे पॉजिटिव टू मिक्स रिव्यूज़ क्रिटिक्स की तरफ से, और प्रेस करी गई थी विद डायरेक्शन, एक्टिंग परफॉर्मेंसेज और म्यूजिक, बट फाउंड द स्क्रीन प्ले फ्लॉर। एंड एट फिल्मफेयर अवार्ड्स बांग्ला 2021 ध्रुव बनर्जी वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म। एंड फिल्म की जो रिलीजिंग रही थी थिएटर्स में 10th of October 2021 में रिलीज हुई थी, एंड विद हिंदी डब्ड वर्जन ऑल्सो रिलीज थिएटिकली ऑन 12th of November 2021 एज ऑफिशियली बाई SVF, एंड इट इज सून टू अराइव एज वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर इन आर मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स एंड TVs में इन SVF ऑफिशियल वे OTT प्लेटफॉर्म होई चोई एंड इंटरनेशनली ऑन Amazon प्राइम वीडियो एंड लेटर एज वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर पर आई थी ऑन चैनल स्टार जलसा। विद दैट साउंड ट्रैक की बात की जाए तो बैकग्राउंड स्कोरिंग जो कि कंपोज करी गई थी बाय विक्रम घोष और लिरिक्स लिखे गए थे बाय श्रीजितो और सुगातो बुआ की तरफ से। ओवरऑल दोस्तों फिल्म की जो साउंड ट्रैक रही है लगभग 15 मिनट का रहा है, जिसमें कि जुदंग देही गाया था निर्मल्या रॉय और शुमान गांगुली ने, वंदे मातरम गाया था निर्मल्या रॉय ने, राशीर गान गाया गया था बाय शुमान गांगुली और उज्जैनी मुखर्जी की तरफ से। विद दैट स्वप्नेरे दिन बाय शुमान गांगुली, जे चलो अमार वॉज ऑल्सो बाय शुमान गांगुली एंड गोविंदो मुरारी वॉज संग बाय इमान चाटर्जी। आखिर दोस्तों जो फिल्म की स्टारकास्ट रही है जानते हैं कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका ऑन स्क्रीन पर। तो बात करते हैं दोस्तों देव की, जो कि फिल्म में मेन लीड का रोल निभा रहे थे नागेंद्र प्रसाद का, इज अ नोन फॉर अपने सेज नेम देव के नाम से जाने जाते हैं, बट एक्चुअल नेम है उनका दीपक अधिकारी, एक इंडियन एक्टर प्रोड्यूसर सिंगर और स्क्रीन राइटर है, साथ ही साथ बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने। विद ऑल दिस रिसेंटली एज पॉलिटिशियन भी वर्क कर रहे हैं, ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स। तो वही एक्टिंग डेब्यू हुआ था उनका 2006 की फिल्म अग्निशपथ से अपोजिट रचना बनर्जी, जिसमें कि उन्होंने फ्लैग फेस करा था अपनी कुछ रिलीज के बाद, और उनका जो रोल रहा था इन द फिल्म आई लव यू अपोजिट पायल सरकार ब्रेक थ्रू था। डायरेक्टेड बाय रवि किनाजी, फिल्म क्रिटिकली अनसक्सेसफुल थी बट वॉज कमर्शली सक्सेसफुल एंड वॉज क्विक टू रीसेलेक्ट हिज करियर डिस्पाइट द सक्सेस। उन्हें 14 महीने तक कुछ काम नहीं मिला था, फिर उनका कमबैक हुआ था सिल्वर स्क्रीन पर विद द फिल्म प्रेमा कहिनी इन 2008 अपोजिट कोयल मलिक। उनकी पहली फिल्म थी जिसमें कि वो उन्हें काफ़ी इसके बाद काफ़ी सारी फिल्म्स मिली थी, और रीमेक ऑफ द 2006 कन्नड़ हिट मुंगारू मेल फिल्म मॉडरेट सक्सेस रही थी, एंड उन्हें अपना अगला ब्रेक थ्रू मिला था विद द फिल्म चैलेंज in 2009 which opened to critical and commercial success, and he received the Anandalok award for best actor best action hero for his performance in the film, and continue raha tha unka success commercial success or wider attention through his success films like Le Chakka, Dui Prithvi, Paglu, Challenge 2, Koka 420, रंगबाज, चंद्र पहर, एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी फिल्म्स के लिए उन्हें अवार्ड मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेंटोर भी रह चुके हैं ऑन डांस बांग्ला रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस पर, जिसमें कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को रिप्लेस करा था, एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन द लोकसभा रिप्रेजेंटिंग घाथर कॉन्स्टिट्यूएंसी since 2014 or and as a candidate from the party All India Trinamool Congress।
अदर देन दिस बात की जाए फिल्म्स की, तो काफ़ी सारी फिल्म्स रही हैं एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, स्पेशल अपीयरेंसेस भी रहा है उनका कुछ फिल्म्स में, एंड एज अ सिंगर भी रहा है, एज अ सिंगर रह चुके हैं इन द फिल्म लाइक चैम, कोका बाबू में, तो मैं कुछ म्यूजिक वीडियोस करी हैं फॉर द एल्बम्स लाइक क्रेजी बेरी मिक्स एंड कुछ अननोन रही हैं। विद ऑल दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म की अगली कास्ट के बारे में, जो कि थी ईशा शाह, इज एन वेल नोन इंडियन एक्ट्रेस एंड बंगाली सिंगर। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी विद बंगाली टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्किट, जो कि डायरेक्ट करा गया था बाय अनिंदिया चैटर्जी, एंड उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय फिल्म मेकर ध्रुवो बैनर्जी की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं 2021 में रिलीज हुई बंगाली हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की, जिसको डायरेक्ट करा था ध्रुवो बैनर्जी ने और प्रोड्यूस करी गई थी बाय श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी की तरफ से, अंडर द बैनर ऑफ SVF। और साथ ही फिल्म में नजर आए थे देव, एलेक्स ओ'नेल, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा शाह, इंद्रशीष रॉय, जॉन भट्टाचार्य, मिर्ची अग्नि एंड श्रीकांत भट्टाचार्य। फिल्म बेस्ड थी ऑन अ लाइफ ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी पे, जो कि फादर है ऑफ इंडियन फुटबॉल। फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस पे, हालांकि टॉनिक भी ब्लॉकबस्टर रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बट एट द एंड इट्स रन टाइम गोलंदाज वॉज अ क्लीन थ्रेटिकल ब्लॉकबस्टर। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म फेयर अवार्ड बांग्ला 2021 भी विन करा था ध्रुवो बैनर्जी ने फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म स्टोरी लाइन में, जो कि बेस्ड रही है ट्रू इवेंट्स पर, डिपिक्ट करती है इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, जो कि फादर हैं ऑफ इंडियन फुटबॉल के, पहले इंडियन हैं टू प्ले द स्पोर्ट एंड ओपन अ प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब इन द कंट्री। विद दिस कास्टिंग की बात करें तो देव नज़र आए थे इन द कास्ट ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, अंकित मजुमदार एज यंग नरेंद्र प्रसाद, एंड विद दैट उनके साथ देखे गए थे अंकित मजुमदार यंग नरेंद्र प्रसाद के किरदार में, और साथ ही एलेक्स ओ'नेल एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन, अनिर्बन भट्टाचार्य एज भार्गव उपाध्याय, ईशा शाह एज कामालिनी देवी सर्वाधिकारी यानी कि नागेंद्र की वाइफ के रोल में, इंद्रशीष रॉय एज कैप्टन जितेंद्र बैनर्जी, और जॉन भट्टाचार्य एज विनोद भट्टाचार्य, तुम्हें श्रीकांत आचार्य एज सूर्य कुमार सर्वाधिकारी, जॉयदीप मुखर्जी एज प्रसन्न कुमार सर्वाधिकारी विद दैट, एंड उनके साथ में काफ़ी और स्टार कास्ट रही है, जैसे कि तुलिका बासु एज नागेंद्र मदर, प्रंतिक चौधरी एज देशबंधु चित्रंजन दास, अग्निजीत सेन एज नरसिंह प्रसाद सेन शर्मा, उजान चैटर्जी एज मोनी दास, अमिताभ आचार्य एज सुरो दास, अनिर्बन सिकदार एज दुखी राम, विश्वजीत जाट एज ज्योता दिहारी। विद्यार्थ नजर आए थे और भी, जैसे दुलाल दे, देवेश सरकार, जाकिर हुसैन, इंद्रजीत मजुमदार, इजेक तिरिक एज अखिलेश नजर आए तुम्हें, अभिषेक सिंह एज फिलिप। फिल्म की जो प्रोडक्शन रही थी, जिसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो लिस्ट था वो रिलीज हुआ था 25th of January 2020 में फ्रॉम द ट्विटर हैंडल ऑफ SVF, एंड दैट लिस्ट शोज दैट देव, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा शाह, इंद्रशीष रॉय, श्रीकांत आचार्य,
जॉन भट्टाचार्य आर एक्टिंग इन द फिल्म। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल जो कि रिलीज हुआ था 2 अप्रैल 2020 में, रिवील करा था दैट एलेक्स ओनील स्टार एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन एंटागोनिस्ट ऑफ द फिल्म। एंड ये तीसरी फिल्म है डायरेक्टर ध्रुवो बैनर्जी की, पहली बार उनका कोलैबोरेशन रहा था विद देव। हालांकि शूटिंग जो है शुरू हुई थी कोलकाता में फ्रॉम 5 फरवरी 2020 में, कोविड की वजह से उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ी थी बीच में, बट रिज्यूम हो गई थी 1 दिसंबर 2020 में। एंड रैप्ड अप भी हो गया था प्रोजेक्ट शूटिंग बाय 24 फरवरी 2021 तक। विद ऑल दिस जो फिल्म रही है उसको मिले थे पॉजिटिव टू मिक्स रिव्यूज़ क्रिटिक्स की तरफ से, और प्रेस करी गई थी विद द डायरेक्शन एक्टिंग परफॉर्मेंसेस और म्यूजिक, बट फाउंड द स्क्रीन प्ले फ्लॉर। एंड एट फिल्म फेयर अवार्ड्स बांग्ला 2021 ध्रुवो बैनर्जी वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म। एंड फिल्म की जो रिलीजिंग रही थी थिएटर्स में 10 अक्टूबर 2021 में रिलीज हुई थी, एंड विद द हिंदी डब वर्जन ऑल्सो रिलीज थिएटिकली ऑन 12 नवंबर 2021 एज ऑफिशियली बाय SVF। एंड इट इज सून टू अराइव एज वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर इन आर मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स एंड TVs में इन SVF ऑफिशियल विद OTT प्लेटफॉर्म होई चोई एंड इंटरनेशनली ऑन Amazon प्राइम वीडियो एंड लेटर एज वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर पर आई थी ऑन चैनल स्टार जलसा। विद दैट साउंड ट्रैक की बात की जाए तो बैकग्राउंड स्कोरिंग जो कि कंपोज करी गई थी बाय विक्रम घोष और लिरिक्स लिखे गए थे बाय श्रीजितो और सुगातो गुहर की तरफ से। ओवरऑल दोस्तों फिल्म की जो साउंड ट्रैक रही है लगभग लगभग 15 मिनट का रहा है, जिसमें कि जुदंग देही गाया था निर्मल्या रॉय और शुमान गांगुली ने, वंदे मातरम गाया था निर्मल्या रॉय ने, राशीर गान गाया था बाय शुमान गांगुली और उज्जैनी मुखर्जी की तरफ से। विद दैट स्वप्नेरे दिन बाय शुमान गांगुली, जे चिलो अमार वॉज ऑल्सो बाय शुमान गांगुली एंड गोविंदो मुरारी वॉज संग बाय इमान चटर्जी। आखिर दोस्तों जो फिल्म की स्टारकास्ट रही है जानते हैं कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका ऑन स्क्रीन पर। तो बात करते हैं दोस्तों देव की, जो कि फिल्म में मेन लीड का रोल निभा रहे थे नागेंद्र प्रसाद का। इज अ नोन फॉर अपने स्टेज नेम देव के नाम से जाने जाते हैं, बट एक्चुअल नेम है उनका दीपक अधिकारी, एक इंडियन एक्टर प्रोड्यूसर सिंगर और स्क्रीन राइटर है। साथ ही साथ बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने। विद ऑल दिस रिसेंटली एज पॉलिटिशियन भी वर्क कर रहे हैं, ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स। तो वही एक्टिंग डेब्यू हुआ था उनका 2006 की फिल्म अग्निशपथ से अपोजिट रचना बैनर्जी, जिसमें कि उन्होंने फ्लैग फेस करा था अपनी कुछ रिलीज के बाद। और उनका जो रोल रहा था इन द फिल्म आई लव यू अपोजिट पायल सरकार ब्रेक थ्रू था। डायरेक्टेड बाय रवि किनाजी फिल्म क्रिटिकली अनसक्सेसफुल थी बट वॉज कमर्शियली सक्सेसफुल एंड वॉज क्विक टू रीसेलेक्ट हिज करियर डिस्पाइट द सक्सेस। उन्हें 14 महीने तक कुछ काम नहीं मिला था। फिर उनका कमबैक हुआ था सिल्वर स्क्रीन पर विद द फिल्म प्रेमा कहिनी इन 2008 अपोजिट कोयल मलिक। उनकी पहली फिल्म थी जिसमें कि वो उन्हें काफ़ी इसके बाद काफ़ी सारी फिल्म्स मिली थी। और रीमेक ऑफ द 2006 कन्नड़ हिट मुंगारू मेल फिल्म मॉडरेट सक्सेस रही थी एंड उन्हें अपना अगला ब्रेक थ्रू मिला था विद द फिल्म चैलेंज in 2009 which opened to critical and commercial success and he received the Anandalok award for best actor best action hero for his performance in the film and continue raha tha unka success commercial success or wider attention through his success films like
लेचका, द्वी पृथ्वी, पगलू, चालंज टू, कोबा 420, रंगबाज, चंद्र पहर एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी फिल्म्स के लिए उन्हें अवार्ड मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेंटोर भी रह चुके हैं ऑन डांस बांगला रियलिटी शो डांस बांगला डांस पर, जिसमें कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को रिप्लेस करा था एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन द लोकसभा रिप्रेजेंटिंग घाटर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंस 2014 और एंड एज अ कैंडिडेट फ्रॉम द पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अदर देन दिस बात की जाए फिल्म्स की तो काफ़ी सारी फिल्म्स रही हैं एज एन एक्टर एज अ प्रोड्यूसर, स्पेशल अपीयरेंसेस भी रहा है उनका कुछ फिल्म्स में एंड एज अ सिंगर भी रहा है एज अ सिंगर रह चुके हैं इन द फिल्म लाइक चैम्प कोका बाबू में, तो वहीं कुछ म्यूजिक वीडियोस करी हैं फॉर द एल्बम्स लाइक क्रेजी बेरी मिक्स एंड कुछ अननोन रही हैं। विद ऑल दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म की अगली कास्ट के बारे में जो कि थी ईशा शाह इज एन वेल नोन इंडियन एक्ट्रेस एंड बंगाली सिंगर। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी विद बंगाली टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्किट जो कि डायरेक्ट करा गया था बाय अनिंदिया चैटर्जी एंड उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय फिल्म मेकर ध्रुवो बैनर्जी की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं 2021 में रिलीज़ हुई बंगाली हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की, जिसको डायरेक्ट करा था ध्रुवो बैनर्जी ने और प्रोड्यूस करी गई थी बाय श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी की तरफ से अंडर द बैनर ऑफ SVF। और साथ ही फिल्म में नज़र आए थे देव, एलेक्स ओ'नेल, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा शाह, इंद्रशीष रॉय, जॉन भट्टाचार्य, मिर्ची अग्नि एंड श्रीकांत भट्टाचार्य। फिल्म बेस्ड थी ऑन अ लाइफ ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी पे जो कि फादर है ऑफ इंडियन फुटबॉल। फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस पे, हालांकि टॉनिक भी ब्लॉकबस्टर रही थी बॉक्स ऑफिस पे बट एट द एंड इट्स रन टाइम गोलंदाज वॉज अ क्लीन थ्रेटिकल ब्लॉकबस्टर। सिर्फ इतना ही नहीं फिल्म फेयर अवार्ड बांग्ला 2021 भी विन करा था ध्रुवो बैनर्जी ने फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म स्टोरी लाइन में जो कि बेस्ड रही है ट्रू इवेंट्स पर, डिपिक्ट करती है इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी जो कि फादर हैं ऑफ इंडियन फुटबॉल के, पहले इंडियन हैं टू प्ले द स्पोर्ट एंड ओपन अ प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब इन द कंट्री। विद दिस कास्टिंग की बात करें तो देव नज़र आए थे इन द कास्ट ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, अंकित मजुमदार एज यंग नरेंद्र प्रसाद एंड विद दैट उनके साथ देखे गए थे अंकित मजुमदार यंग नरेंद्र प्रसाद के किरदार में और साथ ही एलेक्स ओ'नेल एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन, अनिर्बन भट्टाचार्य एज भार्गव उपाध्याय, ईशा शाह एज कामालिनी देवी सर्वाधिकारी यानी कि नागेंद्र की वाइफ के रोल में, इंद्रशीष रॉय एज कैप्टन जितेंद्र बैनर्जी और जॉन भट्टाचार्य एज विनोद भट्टाचार्य, तुम्हें श्रीकांत आचार्य एज सूर्य कुमार सर्वाधिकारी, जॉयदीप मुखर्जी एज प्रसन्ना कुमार सर्वाधिकारी विद दैट एंड उनके साथ में काफ़ी और स्टार कास्ट रही है जैसे कि तुलिका बासु एज नागेंद्र मदर, प्रंतिक चौधरी एज देशबंधु चित्रंजन दास, अग्निजीत सेन एज नरसिंह प्रसाद सेन शर्मा, उजान चैटर्जी एज मोनी दास, अमिताभ आचार्य एज सुरो दास, अनिर्बन सिकदार एज दुखी राम, विश्वजीत जाट एज ज्योता दिहारी।
विद्वान नज़र आए थे और भी, जैसे दुलाल दे, देवेश सरकार, जाकिर हुसैन, इंद्रजीत मजुमदार, इज़ैक तिरिक एज अखिलेश नज़र आए तुम्हें, अभिषेक सिंह एज फिलिप। फिल्म की जो प्रोडक्शन रही थी जिसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो लिस्ट था वो रिलीज़ हुआ था 25 जनवरी 2020 में फ्रॉम द ट्विटर हैंडल ऑफ SVF, एंड दैट लिस्ट शोज दैट देव, अनिर्बल भट्टाचार्य, ईशा साह, इंद्रशीष रॉय, श्रीकांत आचार्य, जॉन भट्टाचार्य आर एक्टिंग इन द फिल्म। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल जो कि रिलीज़ हुआ था 2 अप्रैल 2020 में रिवील करा था दैट एलेक्स ओनिल स्टार एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन एंटागोनिस्ट ऑफ द फिल्म, एंड ये तीसरी फिल्म है डायरेक्टर ध्रुव बैनर्जी की। पहली बार उनका कोलैबोरेशन रहा था विद देव। हालांकि शूटिंग जो है शुरू हुई थी कोलकाता में फ्रॉम 5 फरवरी 2020 में, कोविड की वजह से उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ी थी बीच में, बट रिज्यूम हो गई थी 1 दिसंबर 2020 में, ड्राफ्ट अप भी हो गया था प्रोजेक्ट शूटिंग बाय 24 फरवरी 2021 तक। विद ऑल दिस जो फिल्म रही है उसको मिले थे पॉजिटिव टू मिक्स रिव्यूज क्रिटिक्स की तरफ से, और प्रेस करी गई थी विद डायरेक्शन, एक्टिंग परफॉर्मेंसेज और म्यूजिक, बट फाउंड द स्क्रीन प्ले फ्लॉ। एंड एट फिल्म फेयर अवार्ड्स बांग्ला 2021 ध्रुव बैनर्जी वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म। एंड फिल्म की जो रिलीजिंग रही थी थिएटर्स में 10 अक्टूबर 2021 में रिलीज हुई थी, एंड विद हिंदी डब वर्जन ऑल्सो रिलीज थिएटिकली ऑन 12 नवंबर 2021 एज ऑफिशियली बाय SVF, एंड इट इज सून टू अराइव एज वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर इन आर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड टीवीज में इन SVF ऑफिशियल विद OTT प्लेटफॉर्म होई चोई, एंड इंटरनेशनली ऑन Amazon प्राइम वीडियो एंड लेटर एज वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर पर आई थी ऑन चैनल स्टार जलसा। विद दैट साउंड ट्रैक की बात की जाए तो बैकग्राउंड स्कोरिंग जो कि कंपोज करी गई थी बाय विक्रम घोष, और लिरिक्स लिखे गए थे बाय श्रीजतो और सुगातो गुहा की तरफ से। ओवरऑल दोस्तों फिल्म की जो साउंड ट्रैक रही है लगभग 15 मिनट का रहा है, जिसमें कि जुदंग देही गाया था निर्मल्या रॉय और शुमान गांगुली ने, वंदे मातरम गाया था निर्मल्या रॉय ने, राशिद गान गाया था बाय शुमान गांगुली और उज्जैनी मुखर्जी की तरफ से, विद दैट स्वप्नेरे दिन बाय शुमान गांगुली, जे चिलो अमार वॉज ऑल्सो बाय शुमान गांगुली, एंड गोविंदो मुरारी वॉज संग बाय इमान चटर्जी। आखिर दोस्तों जो फिल्म की स्टारकास्ट रही है, जानते हैं कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका ऑन स्क्रीन पर। तो बात करते हैं दोस्तों देव की, जो कि फिल्म में मेन लीड का रोल निभा रहे थे नागेंद्र प्रसाद का, इज अ नोन फॉर अपने स्टेज नेम देव के नाम से जाने जाते हैं, बट एक्चुअल नेम है उनका दीपक अधिकारी, एक इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और स्क्रीन राइटर है, साथ ही साथ बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने। विद ऑल दिस रिसेंटली एज पॉलिटिशियन भी वर्क कर रहे हैं, ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स। तो वही एक्टिंग डेब्यू हुआ था उनका 2006 की फिल्म अग्निशपथ से अपोजिट रचना बैनर्जी, जिसमें कि उन्होंने फ्लैग फेस करा था अपनी कुछ रिलीज के बाद, और उनका जो रोल रहा था इन द फिल्म आई लव यू अपोजिट पायल सरकार ब्रेक थ्रू था। डायरेक्टेड बाय रवि किनाजी, फिल्म क्रिटिकली अनसक्सेसफुल थी बट वॉज कमर्शली सक्सेसफुल एंड वॉज क्विक टू रीसेलेक्ट हिज करियर डिस्पाइट द सक्सेस। उन्हें 14 महीने तक कुछ काम नहीं मिला था, फिर उनका कमबैक हुआ था सिल्वर स्क्रीन पर विद द फिल्म प्रेमा कहिनी इन 2008 अपोजिट कोयल मलिक। उनकी पहली फिल्म थी जिसमें कि वो उन्हें काफ़ी
इसके बाद काफ़ी सारी फिल्म्स बनी थी और रीमेक ऑफ द 2006 कन्नड़ हिट मंगारू मेल फिल्म मॉडरेट सक्सेस रही थी एंड उन्हें अपना अगला ब्रेक थ्रू मिला था विद द फिल्म चैलेंज इन 2009 विच ओपन टू क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस एंड ही रिसीव्ड द आनंदालोक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्शन हीरो फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म एंड कंटिन्यू रहा था उनका सक्सेस कमर्शियल सक्सेस और वाइडर अटेंशन थ्रू हिज सक्सेस फिल्म्स लाइक ले चक्का द्वी पृथ्वी बगलू चैलेंज टू कोबा 420 रंगबाज चंद्र पहर एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी फिल्म्स के लिए उन्हें अवार्ड मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेंटोर भी रह चुके हैं ऑन डांस बैंगलोर रियलिटी शो डांस बैंगलोर डांस पर जिसमें कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को रिप्लेस करा था एंड ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है इन द लोकसभा रिप्रेजेंटिंग घाटर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंस 2014 और एज अ कैंडिडेट फ्रॉम द पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अदर देन दिस बात की जाए फिल्म्स की तो काफ़ी सारी फिल्म रही हैं एज एन एक्टर एज अ प्रोड्यूसर स्पेशल अपीयरेंसेस भी रहा है उनका कुछ फिल्म्स में एंड एज अ सिंगर भी रहा है एज अ सिंगर रह चुके हैं इन द फिल्म लाइक चैम कोका बाबू में तो मैं कुछ म्यूजिक वीडियोस करी हैं फॉर द एल्बम्स लाइक क्रेजी बेरी मिक्स एंड कुछ अननोन रही है। विद ऑल दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म की अगली कास्ट के बारे में जो कि थी ईशा शाह इज एन वेल नोन इंडियन एक्ट्रेस इन बंगाली सिनेमा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी विद अ बंगाली टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्किट जो कि डायरेक्ट करा गया था बाय अनन्या चटर्जी एंड उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय फिल्म मेकर ध्रुवो बैनर्जी की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं 2021 में रिलीज हुई बंगाली हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की जिसको डायरेक्ट करा था ध्रुवो बैनर्जी ने और प्रोड्यूस करी गई थी बाय श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी की तरफ से अंडर द बैनर ऑफ SVF और साथ ही फिल्म में नजर आए थे देव एरिक सोनल अनिर्बन भट्टाचार्य ईशा शाह इंद्रशीष रॉय जॉन भट्टाचार्य मिर्ची अग्नि एंड श्रीकांत भट्टाचार्य। फिल्म बेस्ड थी ऑन अ लाइफ ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी पे जो कि फादर है ऑफ इंडियन फुटबॉल। फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस पे हालांकि टॉनिक भी ब्लॉकबस्टर रही थी बॉक्स ऑफिस पे बट एट द एंड इट्स वन टाइम गोलंदाज वॉज अ क्लीन थ्रेडिकल ब्लॉकबस्टर। सिर्फ इतना ही नहीं फिल्म फेयर अवार्ड बांग्ला 2021 भी विन करा था ध्रुवो बैनर्जी ने फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म स्टोरी लाइन में जो कि बेस्ड रही है ट्रू इवेंट्स पर डिपिक्ट करती है इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी जो कि फादर हैं ऑफ इंडियन फुटबॉल के पहले इंडियन हैं टू प्ले द स्पोर्ट एंड ओपन अ प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब इन द कंट्री। विद दिस कास्टिंग की बात करें तो देव नज़र आए थे इन द कास्ट ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी अंकित मजुमदार एज यंग नरेंद्र प्रसाद एंड विद दैट उनके साथ देखे गए थे अंकित मजुमदार यंग नरेंद्र प्रसाद के किरदार में और साथ ही एलेक्स ओनेल एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन अनिर्बन भट्टाचार्य एज भार्गव उपाध्याय ईशा शाह एज कामालिनी देवी सर्वाधिकारी यानी कि नागेंद्र की वाइफ के रोल में इंद्रशीष रॉय एज कैप्टन जितेंद्र बैनर्जी और जॉन भट्टाचार्य एज विनोद भट्टाचार्य तुम्हें श्रीकांत आचार्य एज सूर्य कुमार सर्वाधिकारी जॉयदीप मुखर्जी एज प्रसन्ना कुमार सर्वाधिकारी। With that,
कांड। उनके साथ में काफ़ी और स्टारकास्ट रही है, जैसे कि तुलिका बासु आज नागेंद्र मदर, प्रंतिक चौधरी आज देशबंधु चित्रंजन दास, अग्निजीत सेन आज नरसिंह प्रसाद सेन शर्मा, उजान चैटर्जी आज मोनी दास, अमिताभ आचार्य आज सुरो दास, अनिर्बन सिकदार आज दुखी राम, विश्वजीत जाट आज ज्योता दिहारी। विद्यार्थ नजर आए थे और भी, जैसे दुलाल दे, देवेश सरकार, जाकिर हुसैन, इंद्रजीत मजुमदार, इजेक तिरिक एज अखिलेश नजर आए तुम्हें, अभिषेक सिंह एज फिलिप। फिल्म की जो प्रोडक्शन रही थी, जिसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो लिस्ट था वो रिलीज हुआ था 25 जनवरी 2020 में from the Twitter handle of SVF, and that list shows that Dev, Anirban Bhattacharya, Isha Saha, Indrashish Roy, Shrikant Acharya, John Bhattacharya are acting in the film. Times of India ka ek article jo ki release hua tha 2nd of April 2020 mein reveal kara tha that Alex O'Neill star as Major Frederick Jackson, antagonist ऑफ द फिल्म। एंड ये तीसरी फिल्म है डायरेक्टर ध्रुव बैनर्जी की, पहली बार उनका कोलैबोरेशन रहा था विद देव। हालांकि शूटिंग जो है शुरू हुई थी कोलकाता में फ्रॉम 5th of February 2020 में, कोविड की वजह से उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ी थी बीच में, बट रिज्यूम हो गई थी 1st of December 2020 में एंड रैप्ड अप भी हो गया था प्रोजेक्ट शूटिंग बाय 24th of February 2021 तक। विद ऑल दिस जो फिल्म रही है उसको मिले थे पॉजिटिव टू मिक्स रिव्यूज क्रिटिक्स की तरफ से, और प्रेस करी गई थी विद डायरेक्शन, एक्टिंग परफॉर्मेंसेज और म्यूजिक, बट फाउंड द स्क्रीन प्ले फ्लॉर। एंड एट फिल्म फेयर अवार्ड्स बांग्ला 2021 ध्रुव बैनर्जी वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म। एंड फिल्म की जो रिलीजिंग रही थी थिएटर्स में 10th of October 2021 में रिलीज हुई थी, एंड विद हिंदी डब वर्जन ऑल्सो रिलीज थिएटिकली ऑन 12th of November 2021 एज ऑफिशियली बाय SVF, एंड इट इज सून टू अराइव एज वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर इन आर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड TVs में इन SVF ऑफिशियल विद OTT प्लेटफॉर्म होई चोई, and internationally on Amazon Prime Video and later as World Television Premiere पर आई थी on channel Star Jalsa। With that soundtrack की बात की जाए तो background scoring जो कि compose करी गई थी by Bikram Ghosh और lyrics लिखे गए थे by Srijito और Sugato Guha की तरफ से। Overall दोस्तों film की जो soundtrack रही है लगभग 15 मिनट का रहा है, जिसमें कि जुदंग देही गाया था निर्मल्या रॉय और शुमान गांगुली ने, वंदे मातरम गाया था निर्मल्या रॉय ने, राशीर गान गाया गया था बाय शुमान गांगुली और उज्जैनी मुखर्जी की तरफ से, विद दैट स्वप्नेरे दिन बाय शुमान गांगुली, जे चलो अमार was also by Shivon Ganguly and Govinda Murari was sung by Iman Chatterjee। आखिर दोस्तों जो फिल्म की स्टारकास्ट रही है, जानते हैं कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका ऑन स्क्रीन पर। तो बात करते हैं दोस्तों देव की, जो कि फिल्म में मेन लीड का रोल निभा रहे थे नागेंद्र प्रसाद का। इज अ नोन फॉर अपने स्टेज नेम देव के नाम से जाने जाते हैं, बट एक्चुअल नेम है उनका दीपक अधिकारी, एक इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और स्क्रीन राइटर है। साथ ही साथ बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने। विद ऑल दिस रिसेंटली एज पॉलिटिशियन भी वर्क कर रहे हैं, ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स। तो वही एक्टिंग डेब्यू हुआ था उनका 2006 की फिल्म अग्निशपथ से अपोजिट रचना बैनर्जी, जिसमें कि उन्होंने फ्लैट फेस करा था अपनी कुछ रिलीज के बाद, और
उनका जो रोल रहा था इन द फिल्म आई लव यू अपोजिट पायल सरकार ब्रेक थ्रू था। डायरेक्टेड बाय रवि किनाजी, फिल्म क्रिटिकली अनसक्सेसफुल थी बट वॉज कमर्शली सक्सेसफुल एंड वॉज क्विक टू रीसेलेक्ट हिज करियर। डिस्पाइट द सक्सेस उन्हें 14 महीने तक कुछ काम नहीं मिला था। फिर उनका कम बैक हुआ था सिल्वर स्क्रीन पर विद द फिल्म प्रेमा कहिनी इन 2008 अपोजिट कोयल मलिक। उनकी पहली फिल्म थी जिसमें कि वो उन्हें काफ़ी इसके बाद काफ़ी सारी फिल्म्स मिली थी। और रीमेक ऑफ द 2006 कन्नड़ हिट मुंगारू मेल फिल्म मॉडरेट सक्सेस रही थी एंड उन्हें अपना अगला ब्रेक थ्रू मिला था विद द फिल्म चैलेंज इन 2009 विच ओपन टू क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस एंड ही रिसीव द आनंदालोक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्शन हीरो फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। एंड कंटिन्यू रहा था उनका सक्सेस कमर्शियल सक्सेस और वाइडर अटेंशन थ्रू हिज सक्सेस फिल्म्स लाइक ले चक्का दुई पृथ्वी पगलू चैलेंज टू कोका चांस वीस रंगबाज चंद्र पहर एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी फिल्म्स के लिए उन्हें अवार्ड मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेंटोर भी रह चुके हैं ऑन डांस बैंगलोर रियलिटी शो डांस बैंगलोर डांस वर्ल्ड जिसमें कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को रिप्लेस करा था एंड ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है इन द लोकसभा रिप्रेजेंटिंग घाथर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंस 2014 और एंड एज अ कैंडिडेट फ्रॉम द पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अदर देन दिस बात की जाए फिल्म्स की तो काफ़ी सारी फिल्म्स रही हैं एज एन एक्टर एज अ प्रोड्यूसर स्पेशल अपीयरेंसेस भी रहा है उनका कुछ फिल्म्स में एंड एज अ सिंगर भी रहा है एज अ सिंगर रह चुके हैं इन द फिल्म लाइक चैम कोका बाबू में तो मैं कुछ म्यूजिक वीडियोस करी हैं फॉर द एल्बम्स लाइक क्रेजी बेरी मिक्स एंड कुछ अननोन रही हैं। विद ऑल दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म की अगली कास्ट के बारे में जो कि थी ईशा शाह इज एन वेल नोन इंडियन एक्ट्रेस इन बंगाली सिनेमा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी विद बंगाली टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्किट जो कि डायरेक्ट करा गया था बाय अनिंदया चैटर्जी एंड उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय फिल्म मेकर ध्रुवो बैनर्जी की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं 2021 में रिलीज़ हुई बंगाली हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की जिसको डायरेक्ट करा था ध्रुवो बैनर्जी ने और प्रोड्यूस करी गई थी बाय श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी की तरफ से अंडर द बैनर ऑफ SVF। और साथ ही फिल्म में नज़र आए थे देव एलेक्स ओ'नेल अनिर्बन भट्टाचार्य ईशा शाह इंद्रशीष रॉय जॉन भट्टाचार्य मिर्ची अग्नि एंड श्रीकांत आचार्य। फिल्म बेस्ड थी ऑन द लाइफ ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी पे जो कि फादर है ऑफ इंडियन फुटबॉल। फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस पे हालांकि टॉनिक भी ब्लॉकबस्टर रही थी बॉक्स ऑफिस पे बट एट द एंड इट्स रन टाइम गोलंदाज वॉज अ क्लीन थ्रेडिकल ब्लॉकबस्टर। सिर्फ इतना ही नहीं फिल्म फेयर अवार्ड बांग्ला 2021 भी विन करा था ध्रुवो बैनर्जी ने फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म स्टोरी लाइन में जो कि बेस्ड रही है ट्रू इवेंट्स पर डिपिक्ट करती है इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी जो कि फादर हैं ऑफ इंडियन फुटबॉल के पहले इंडियन हैं टू प्ले द स्पोर्ट एंड ओपन अ प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब इन द कंट्री। विद दिस कास्टिंग की बात करें तो देव नज़र आए थे इन द कास्ट ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी अंकित मजुमदार एज यंग नरेंद्र प्रसाद एंड विद दैट उनके साथ देखे गए थे
अंकित मजुमदार रंगनरेंद्र प्रसाद के किरदार में और साथ ही एलेक्स ओनेल एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन, अनिर्बुन भट्टाचार्य एज भार्गव उपाध्याय, ईशा साहा एज कामालिनी देवी सर्वाधिकारी यानी कि नागेंद्र की वाइफ के रोल में, इंद्रशीष रॉय एज कैप्टन जितेंद्र बैनर्जी और जॉन भट्टाचार्य एज विनोद भट्टाचार्य, तुम्हें श्रीकांत आचार्य एज सूर्य कुमार सर्वाधिकारी, जॉयदीप मुखर्जी एज प्रसन्ना कुमार सर्वाधिकारी विद दैट एंड उनके साथ में काफ़ी और स्टार कास्ट रही है जैसे कि तुलिका बासु एज नागेंद्र मदर, प्रंतिक चौधरी एज देशबंधु चित्रंजन दास, अग्निजीत सेन एज नरसिंह प्रसाद सेन शर्मा, उजान चैटर्जी एज मोनी दास, अमिताभ आचार्य एज सुरु दास, अनिर्बन सिकदार एज दुखी राम, विश्वजीत जाट एज ज्योता दिहारी। विद्यार्थ नजर आए थे और भी जैसे दुलाल दे, देवेश सरकार, जाकिर हुसैन, इंद्रजीत मजुमदार, इजेक तिरिक एज अखिलेश नजर आए, तुम्हें अभिषेक सिंह एज फिलिप। फिल्म की जो प्रोडक्शन रही थी जिसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो लिस्ट था वो रिलीज हुआ था 25th of January 2020 में फ्रॉम द ट्विटर हैंडल ऑफ SVF एंड दैट लिस्ट शोज दैट देव, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा साहा, इंद्रशीष रॉय, श्रीकांत आचार्य, जॉन भट्टाचार्य आर एक्टिंग इन द फिल्म। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल जो कि रिलीज हुआ था 2nd of April 2020 में रिवील करा था दैट एलेक्स ओनेल स्टार एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन एंटागोनिस्ट ऑफ द फिल्म एंड ये तीसरी फिल्म है डायरेक्टर ध्रुव बैनर्जी की, पहली बार उनका कोलैबोरेशन रहा था विद देव। हालांकि शूटिंग जो है शुरू हुई थी कोलकाता में फ्रॉम 5th of February 2020 में, कोविड की वजह से उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ी थी बीच में, बट रिज्यूम हो गई थी 1st of December 2020 में एंड रैप्ड अप भी हो गया था प्रोजेक्ट शूटिंग बाय 24th of February 2021 तक। विद ऑल दिस जो फिल्म रही है उसको मिले थे पॉजिटिव टू मिक्स रिव्यूज क्रिटिक्स की तरफ से और प्रेस करी गई थी विद द डायरेक्शन एक्टिंग परफॉर्मेंसेज और म्यूजिक, बट फाउंड द स्क्रीन प्ले फ्लॉ एंड एट फिल्म फेयर अवार्ड्स बांग्ला 2021 ध्रुव बैनर्जी वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म एंड फिल्म की जो रिलीजिंग रही थी थिएटर्स में 10th of October 2021 में रिलीज हुई थी एंड विद द हिंदी डब वर्जन ऑल्सो रिलीज थिएटिकली ऑन 12th of November 2021 एज ऑफिशियली बाय SVF एंड इट इज सून टू अराइव एज वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर इन आर मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स एंड टीवीज में इन SVF ऑफिशियल विद OTT प्लेटफॉर्म होई चोई and internationally on Amazon Prime Video and later as World Television Premiere पर आई थी on channels Star Jalsa। With that soundtrack की बात की जाए तो background scoring जो कि compose करी गई थी by Bikram Ghosh और lyrics लिखे गए थे by Srijito और Sugato Guha की तरफ से। Overall दोस्तों film की जो soundtrack रही है लगभग 15 मिनट का रहा है जिसमें कि जुदंग देही गाया था निर्मल्या रॉय और शुमान गांगुली ने, वंदे मातरम गाया था निर्मल्या रॉय ने, राशीद गान गाया था बाय शुमान गांगुली और उज्जैनी मुखर्जी की तरफ से, विद दैट स्वप्नेरे दिन बाय शुमान गांगुली, जे चलो अमार was also by Shivon Ganguly and Govinda Murari was sung by Iman Chatterjee। आखिर दोस्तों जो फिल्म की स्टार कास्ट रही है जानते हैं कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका ऑन स्क्रीन पर, तो बात करते हैं दोस्तों देव की जो कि फिल्म में मेन लीड का रोल निभा रहे थे नागेंद्र प्रसाद का।
इज अ नोन फॉर अपने सेफ नेम देव के नाम से जाने जाते हैं, बट एक्चुअल नेम है उनका दीपक अधिकारी, एक इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और स्क्रीन राइटर है। साथ ही साथ बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने। विद ऑल दिस रिसेंटली एज अ पॉलिटिशियन भी वर्क कर रहे हैं, ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स। तो वही एक्टिंग डेब्यू हुआ था उनका 2006 की फिल्म अग्निशपथ से अपोजिट रचना बैनर्जी, जिसमें कि उन्होंने फ्लैट फेस करा था अपनी कुछ रिलीज के बाद। और उनका जो रोल रहा था इन द फिल्म आई लव यू अपोजिट पायल सरकार ब्रेक थ्रू था। डायरेक्टेड बाय रवि किनाजी, फिल्म क्रिटिकली अनसक्सेसफुल थी बट वॉज कमर्शली सक्सेसफुल एंड वॉज क्विक टू रीसेलेक्ट हिज करियर। डिस्पाइट द सक्सेस उन्हें 14 महीने तक कुछ काम नहीं मिला था। फिर उनका कम बैक हुआ था सिल्वर स्क्रीन पर विद द फिल्म प्रेमा कहिनी इन 2008 अपोजिट कोयल मलिक। उनकी पहली फिल्म थी जिसमें कि वो उन्हें काफ़ी इसके बाद काफ़ी सारी फिल्म्स मिली थी। और रीमेक ऑफ द 2006 कन्नड़ हिट मुंगारू मेल फिल्म मॉडरेट सक्सेस रही थी एंड उन्हें अपना अगला ब्रेक थ्रू मिला था विद द फिल्म चैलेंज in 2009 which opened to critical and commercial success and he received the Anandalok award for best actor best action hero for his performance in the film and continued raha tha unka success commercial success or wider attention through his success films like Le Chakka, Dui Prithvi, Baglu, Challenge 2, Koka Chaan Se Veer, रंगबाज, चंद्र पहर एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी फिल्म्स के लिए उन्हें अवार्ड मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेंटोर भी रह चुके हैं ऑन डांस बैंगलोर रियलिटी शो डांस बैंगलोर डांस पर, जिसमें कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को रिप्लेस करा था एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन द लोकसभा रिप्रेजेंटिंग घाथर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंस 2014 और एज अ कैंडिडेट फ्रॉम द पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अदर देन दिस बात की जाए फिल्म्स की तो काफ़ी सारी फिल्म रही हैं एज एन एक्टर एज अ प्रोड्यूसर, स्पेशल अपीयरेंसेस भी रहा है उनका कुछ फिल्म्स में एंड एज अ सिंगर भी रहा है, एज अ सिंगर रह चुके हैं इन द फिल्म लाइक चाम कोका बाबू में। तो वहीं कुछ म्यूजिक वीडियोस करी हैं फॉर द एल्बम्स लाइक क्रेजी बेरी मिक्स एंड कुछ अननोन रही हैं। विद ऑल दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म की अगली कास्ट के बारे में जो कि थी ईशा शाह, इज एन वेल नोन इंडियन एक्ट्रेस इन बंगाली सिनेमा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी विद बंगाली टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्किट, जो कि डायरेक्ट करा गया था बाय अनिंदिया चैटर्जी एंड उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय फिल्म मेकर ध्रुवो बैनर्जी की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं 2021 में रिलीज़ हुई बंगाली हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की, जिसको डायरेक्ट करा था ध्रुवो बैनर्जी ने और प्रोड्यूस करी गई थी बाय श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी की तरफ से अंडर द बैनर ऑफ SVF। और साथ ही फिल्म में नज़र आए थे देव, एलेक्स ओ'नेल, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा शाह, इंद्रशीष रॉय, जॉन भट्टाचार्य, मिर्ची अग्नि एंड श्रीकांत भट्टाचार्य। फिल्म बेस्ड थी ऑन अ लाइफ ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी पे, जो कि फादर है ऑफ इंडियन फुटबॉल। फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस पे, हालांकि टॉनिक भी ब्लॉकबस्टर रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बट एट द एंड इट्स रन टाइम गोलंदाज वॉज अ क्लीन थ्रेडिकल ब्लॉकबस्टर। सिर्फ इतना ही नहीं फिल्म फेयर अवार्ड बांग्ला 2021 भी विन करा था
ध्रुव बैनर्जी ने फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म स्टोरी लाइन में जो कि बेस्ड रही है ट्रू इवेंट्स पर, डिपिक्ट करती है इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी जो कि फादर हैं ऑफ इंडियन फुटबॉल के, पहले इंडियन हैं टू प्ले द स्पोर्ट एंड ओपन अ प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब इन द कंट्री। विद दिस कास्टिंग की बात करें तो देव नज़र आए थे इन द कास्ट ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, अंकित मजुमदार एज यंग नरेंद्र प्रसाद एंड विद दैट उनके साथ देखे गए थे अंकित मजुमदार यंग नरेंद्र प्रसाद के किरदार में और साथ ही एलेक्स ओनिल एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन, अनिर्बन भट्टाचार्य एज भार्गव उपाध्याय, ईशा साह एज कामालिनी देवी सर्वाधिकारी यानी कि नागेंद्र की वाइफ के रोल में, इंद्रशीष रॉय एज कैप्टन जितेंद्र बैनर्जी और जॉन भट्टाचार्य एज विनोद भट्टाचार्य, तुम्हें श्रीकांत आचार्य एज सूर्य कुमार सर्वाधिकारी, जॉयदीप मुखर्जी एज प्रसन्ना कुमार सर्वाधिकारी विद दैट एंड उनके साथ में काफ़ी और स्टार कास्ट रही है जैसे कि तुलिका बासु एज नागेंद्र मदर, प्रंतिक चौधरी एज देशबंधु चित्रंजन दास, अग्निजीत सेन एज नरसिंह प्रसाद सेन शर्मा, उजान चैटर्जी एज मोनी दास, अमिताभ आचार्य एज सुरो दास, अनिर्बन सिकदार एज दुखी राम, विश्वजीत जाट एज ज्योता दिहारी विद्यार्ड नज़र आए थे और भी जैसे दुलाल दे, देवेश सरकार, जाकिर हुसैन, इंद्रजीत मजुमदार, इजेक तिरिक एज अखिलेश नज़र आए, तुम्हें अभिषेक सिंह एज फिलिप। फिल्म की जो प्रोडक्शन रही थी जिसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो लिस्ट था वो रिलीज़ हुआ था 25th of January 2020 में From the Twitter handle of SVF and that list shows that Dev, Anirban Bhattacharya, Isha Saha, Indrashish Roy, Shrikant Acharya, John Bhattacharya are acting in the film. Times of India के एक आर्टिकल जो कि रिलीज हुआ था 2nd of April 2020 में रिवील करा था that Alex O'Neill star as Major Frederick Jackson antagonist ऑफ द फिल्म एंड ये तीसरी फिल्म है डायरेक्टर ध्रुव बैनर्जी की, पहली बार उनका कोलैबोरेशन रहा था विद देव। हालांकि शूटिंग जो है शुरू हुई थी कोलकाता में फ्रॉम 5th of February 2020 में, कोविड की वजह से उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ी थी बीच में, बट रिज्यूम हो गई थी 1st of December 2020 में एंड रैप्ड अप भी हो गया था प्रोजेक्ट शूटिंग बाय 24th of February 2021 तक। विद ऑल दिस जो फिल्म रही है उसको मिले थे पॉजिटिव टू मिक्स रिव्यूज क्रिटिक्स की तरफ से और प्रेस करी गई थी विद डायरेक्शन एक्टिंग परफॉर्मेंसेज और म्यूजिक, बट फाउंड द स्क्रीन प्ले फ्लॉ एंड एट फिल्म फेयर अवार्ड्स बांग्ला 2021 ध्रुव बैनर्जी वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म एंड फिल्म की जो रिलीजिंग रही थी थिएटर्स में 10th of October 2021 में रिलीज हुई थी एंड विद हिंदी डब वर्जन ऑल्सो रिलीज थिएटिकली ऑन 12th of November 2021 एज ऑफिशियली बाय SVF एंड इट इज सून टू अराइव एज वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर इन आर मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स एंड टीवीज में इन SVF ऑफिशियल विद OTT प्लेटफॉर्म होई चोई and internationally on Amazon Prime Video and later as World Television Premiere पर आई थी on Channel Star Jalsa। With that soundtrack की बात की जाए तो background scoring जो कि compose करी गई थी by Bikram Ghosh और lyrics लिखे गए थे by Srijito और Sugato Guha की तरफ से। Overall दोस्तों film की जो soundtrack रही है लगभग 15 मिनट का रहा है जिसमें कि जुदंग देही गाया था निर्मल्या रॉय और शुमान गांगुली ने,
वंदे मातरम गाया था निर्मला रॉय ने, राशीर गान गाया गया था बाय शोवान गांगुली और उज्जैनी मुखर्जी की तरफ से, विद दैट स्वप्नेरे दिन बाय शोवान गांगुली, जे चलो अमार वॉज ऑल्सो बाय शोवान गांगुली एंड गोविंदो मुरारी वॉज संग बाय इमान चटर्जी। आखिर दोस्तों जो फिल्म की स्टारकास्ट रही है, जानते हैं कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका ऑन स्क्रीन पर। तो बात करते हैं दोस्तों देव की, जो कि फिल्म में मेन लीड का रोल निभा रहे थे नागेंद्र प्रसाद का। इज अ नोन फॉर अपने सेज नेम देव के नाम से जाने जाते हैं, बट एक्चुअल नेम है उनका दीपक अधिकारी, एक इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और स्क्रीन राइटर है। साथ ही साथ बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने। विद ऑल दिस रिसेंटली एज पॉलिटिशियन भी वर्क कर रहे हैं, ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स। तो वही एक्टिंग डेब्यू हुआ था उनका 2006 की फिल्म अग्निशपथ से अपोजिट रचना बैनर्जी, जिसमें कि उन्होंने फ्लैग फेस करा था अपनी कुछ रिलीज के बाद। और उनका जो रोल रहा था इन द फिल्म आई लव यू अपोजिट पायल सरकार ब्रेक थ्रू था। डायरेक्टेड बाय रवि किनाजी, फिल्म क्रिटिकली अनसक्सेसफुल थी बट वॉज कमर्शली सक्सेसफुल एंड वॉज क्विक टू रीसेलेक्ट हिज करियर। डिस्पाइट द सक्सेस उन्हें 14 महीने तक कुछ काम नहीं मिला था। फिर उनका कमबैक हुआ था सिल्वर स्क्रीन पर विद द फिल्म प्रेमा कहिनी इन 2008 अपोजिट कोयल मलिक। उनकी पहली फिल्म थी जिसमें कि वो उन्हें काफ़ी इसके बाद काफ़ी सारी फिल्म्स मिली थी। और रीमेक ऑफ द 2006 कन्नड़ हिट मुंगारू मेल फिल्म मॉडरेट सक्सेस रही थी एंड उन्हें अपना अगला ब्रेक थ्रू मिला था विद द फिल्म चैलेंज in 2009 which opened to critical and commercial success and he received the Anandalok award for best actor, best action hero for his performance in the film and continue raha tha unka success, commercial success or wider attention through his success films like Le Chakka, Dui Prithvi, Baglu, Challenge 2, Koka Chansu Vees, रंगबाज, चंद्र पहर एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी फिल्म्स के लिए उन्हें अवार्ड मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेंटोर भी रह चुके हैं ऑन डांस बांग्ला रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस पर, जिसमें कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को रिप्लेस करा था एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन द लोकसभा रिप्रेजेंटिंग घाथर कॉन्स्टिट्यूएंसी since 2014 and as a candidate from the party All India Trinamool Congress. Other than this, बात की जाए फिल्म्स की तो काफ़ी सारी फिल्म रही हैं as an actor, as a producer, special appearances भी रहा है उनका कुछ फिल्म्स में and as a singer भी रहा है, as a singer रह चुके हैं in the film like Champ, Koka बाबू में। तो मैं कुछ म्यूजिक वीडियोस करी हैं फॉर द एल्बम्स लाइक क्रेजी बेरी मिक्स एंड कुछ अननोन रही हैं। विद ऑल दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म की अगली कास्ट के बारे में, जो कि थी ईशा शाह, इज एन वेल नोन इंडियन एक्ट्रेस इन बंगाली सिनेमा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी विद बंगाली टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्किट, जो कि डायरेक्ट करा गया था बाय अनिंदया चटर्जी एंड उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय फिल्म मेकर ध्रुवो बैनर्जी की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं 2021 में रिलीज़ हुई बंगाली हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की, जिसको डायरेक्ट करा था ध्रुवो बैनर्जी ने और प्रोड्यूस करी गई थी बाय श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी की तरफ से। अंडर द बैनर ऑफ SVF और साथ ही फिल्म में नज़र आए थे देव, एरिक सोनल, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा शाह
इंद्रशीष रॉय, जॉन भट्टाचार्य, मिर्ची अग्नि एंड श्रीकांत भट्टाचार्य। फिल्म बेस्ड थी ऑन अ लाइफ ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी पे, जो कि फादर है ऑफ इंडियन फुटबॉल। फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस पे, हालांकि टॉनिक भी ब्लॉकबस्टर रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बट एट द एंड इट्स रन टाइम गोलंदाज वॉज अ क्लीन थ्रेटिकल ब्लॉकबस्टर। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म फेयर अवार्ड बांग्ला 2021 भी विन करा था ध्रुव बैनर्जी ने फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म। स्टोरी लाइन में जो कि बेस्ड रही है ट्रू इवेंट्स पर, डिपिक्ट करती है इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, जो कि फादर हैं ऑफ इंडियन फुटबॉल के, पहले इंडियन हैं टू प्ले द स्पोर्ट एंड ओपन अ प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब इन द कंट्री। विद दिस कास्टिंग की बात करें तो देव नज़र आए थे इन द कास्ट ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, अंकित मजुमदार एज यंग नरेंद्र प्रसाद, एंड विद दैट उनके साथ देखे गए थे अंकित मजुमदार यंग नरेंद्र प्रसाद के किरदार में, और साथ ही एलेक्स ओनिल एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन, अनिर्बन भट्टाचार्य एज भार्गव उपाध्याय, ईशा साहा एज कामालिनी देवी सर्वाधिकारी यानी कि नागेंद्र की वाइफ के रोल में, इंद्रशीष रॉय एज कैप्टन जितेंद्र बैनर्जी, और जॉन भट्टाचार्य एज विनोद भट्टाचार्य, तुम्हें श्रीकांत आचार्य एज सूर्य कुमार सर्वाधिकारी, जॉयदीप मुखर्जी एज प्रसन्ना कुमार सर्वाधिकारी। विद दैट एंड उनके साथ में काफ़ी और स्टार कास्ट रही है, जैसे कि तुलिका बासु एज नागेंद्र मदर, प्रंतिक चौधरी एज देशबंधु चितरंजन दास, अग्निजीत सेन एज नरसिंह प्रसाद सेन शर्मा, उजान चैटर्जी एज मोनी दास, अमिताभ आचार्य एज सुरो दास, अनिर्बन सिकदार एज दुखी राम, विश्वजीत जाट एज ज्योता दिहारी। विद्यार्थ नज़र आए थे और भी, जैसे दुलाल दे, देवेश सरकार, जाकिर हुसैन, इंद्रजीत मजुमदार, इजेक तिरिक एज अखिलेश नज़र आए तुम्हें, अभिषेक सिंह एज फिलिप। फिल्म की जो प्रोडक्शन रही थी जिसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो लिस्ट था वो रिलीज हुआ था 25th ऑफ जनवरी 2020 में फ्रॉम द ट्विटर हैंडल ऑफ SVF, एंड दैट लिस्ट शोज दैट देव, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा साहा, इंद्रशीष रॉय, श्रीकांत आचार्य, जॉन भट्टाचार्य आर एक्टिंग इन द फिल्म। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल जो कि रिलीज हुआ था 2nd ऑफ अप्रैल 2020 में रिवील करा था दैट एलेक्स ओनिल स्टार एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन एंटागोनिस्ट ऑफ द फिल्म, एंड ये तीसरी फिल्म है डायरेक्टर ध्रुव बैनर्जी की, पहली बार उनका कोलैबोरेशन रहा था विद देव। हालांकि शूटिंग जो है शुरू हुई थी कोलकाता में फ्रॉम 5th ऑफ फरवरी 2020 में, कोविड की वजह से उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ी थी बीच में, बट रिज्यूम हो गई थी 1st ऑफ दिसंबर 2020 में, रैप्ड अप भी हो गया था प्रोजेक्ट शूटिंग बाय 24th ऑफ फरवरी 2021 तक। विद ऑल दिस जो फिल्म रही है उसको मिले थे पॉजिटिव टू मिक्स रिव्यूज क्रिटिक्स की तरफ से, और प्रेस करी गई थी विद डायरेक्शन, एक्टिंग परफॉर्मेंसेज और म्यूजिक, बट फाउंड द स्क्रीन प्ले फ्लॉर। एंड एट फिल्म फेयर अवार्ड्स बांग्ला 2021 ध्रुव बैनर्जी वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म। एंड फिल्म की जो रिलीजिंग रही थी थिएटर्स में 10th ऑफ अक्टूबर 2021 में रिलीज हुई थी, एंड विद द हिंदी डब वर्जन ऑल्सो रिलीज थिएटिकली ऑन 12th ऑफ नवम्बर 2021 एज ऑफिशियली बाय SVF, एंड is soon to arrive as world digital premiere in our mobile phones, laptops and TVs mein in SVF official with OTT platform Hoichoi
and internationally on Amazon Prime Video and later as World Television Premiere पर आई थी on Channel Star Jalsa. With that soundtrack की बात की जाए तो background scoring जो कि compose करी गई थी by Bikram Ghosh और lyrics लिखे गए थे by Srijito और Sugato Guha की तरफ से. ओवरऑल दोस्तों फिल्म की जो soundtrack रही है लगभग लगभग 15 मिनट का रहा है, जिसमें कि जुदंग देही गाया था निर्मल्या रॉय और शुमान गांगुली ने, वंदे मातरम गाया था निर्मल्या रॉय ने, राशीर गान गाया गया था बाय शुमान गांगुली और उज्जैनी मुखर्जी की तरफ से. विद दैट स्वप्नेरे दिन बाय शुमान गांगुली, जे चलो अमार was also by Shivon Ganguly and Govindo Murari was sung by Iman Chatterjee. आखिर दोस्तों जो फिल्म की स्टारकास्ट रही है जानते हैं कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका ऑन स्क्रीन पर. तो बात करते हैं दोस्तों देव की, जो कि फिल्म में मेन लीड का रोल निभा रहे थे नागेंद्र प्रसाद का. इज अ नोन फॉर अपने स्टेज नेम देव के नाम से जाने जाते हैं, बट एक्चुअल नेम है उनका दीपक अधिकारी. एक इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और स्क्रीन राइटर है. साथ ही साथ बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने. विद ऑल दिस रिसेंटली एज अ पॉलिटिशियन भी वर्क कर रहे हैं, ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स. तो वही एक्टिंग डेब्यू हुआ था उनका 2006 की फिल्म अग्निशपथ से अपोजिट रचना बैनर्जी, जिसमें कि उन्होंने फ्लैग फेस करा था अपनी कुछ रिलीज के बाद. और उनका जो रोल रहा था इन द फिल्म आई लव यू अपोजिट पायल सरकार ब्रेक थ्रू था. डायरेक्टेड बाय रवि किनाजी, फिल्म क्रिटिकली अनसक्सेसफुल थी बट वॉज कमर्शली सक्सेसफुल एंड वॉज क्विक टू रीसेलेक्ट हिज करियर. डिस्पाइट द सक्सेस उन्हें 14 महीने तक कुछ काम नहीं मिला था. फिर उनका कम बैक हुआ था सिल्वर स्क्रीन पर विद द फिल्म प्रेमा कहिनी इन 2008 अपोजिट कोयल मलिक. उनकी पहली फिल्म थी जिसमें कि वो उन्हें काफ़ी इसके बाद काफ़ी सारी फिल्म्स मिली थी. और रीमेक ऑफ द 2006 कन्नड़ हिट मुंगारू मेल फिल्म मॉडरेट सक्सेस रही थी एंड उन्हें अपना अगला ब्रेक थ्रू मिला था विद द फिल्म चैलेंज इन 2009 विच ओपन टू क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस एंड ही रिसीव द आनंदालोक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्शन हीरो फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म. एंड कंटिन्यू रहा था उनका सक्सेस कमर्शियल सक्सेस और वाइडर टेंशन थ्रू हिज सक्सेस फिल्म्स लाइक ले चक्का, द्वी पृथ्वी, पगलू, चैलेंज टू, कोका 420, रंगबाज, चंद्र पहर. एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी फिल्म्स के लिए उन्हें अवार्ड मिले हैं. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेंटोर भी रह चुके हैं ऑन डांस बैंगलोर रियलिटी शो डांस बैंगलोर डांस पर, जिसमें कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को रिप्लेस करा था. एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन द लोकसभा रिप्रेजेंटिंग घाथर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंस 2014 और एंड एज अ कैंडिडेट फ्रॉम द पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. अदर देन दिस बात की जाए फिल्म्स की तो काफ़ी सारी फिल्म्स रही हैं एज एन एक्टर एज अ प्रोड्यूसर. स्पेशल अपीयरेंसेस भी रहा है उनका कुछ फिल्म्स में एंड एज अ सिंगर भी रहा है एज अ सिंगर रह चुके हैं इन द फिल्म लाइक चैम कोका बाबू में. तो मैं कुछ म्यूजिक वीडियोस करी हैं फॉर द एल्बम्स लाइक क्रेजी बेरी मिक्स एंड कुछ अननोन रही है. विद ऑल दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म की अगली कास्ट के बारे में, जो कि थी ईशा शाह इज़ एन वेल नोन इंडियन एक्ट्रेस इन बंगाली सिनेमा. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी विद बंगाली टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्किट, जो कि डायरेक्ट करा गया था बाय अनिंदया चैटर्जी. एंड उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय फिल्म मेकर ध्रुवो बैनर्जी की तरफ से.
दोस्तों बात करते हैं 2021 में रिलीज़ हुई बंगाली हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की, जिसको डायरेक्ट करा था ध्रुव बनर्जी ने और प्रोड्यूस करी गई थी बाय श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी की तरफ से। अनदर बैनर ऑफ SVF और साथ ही फिल्म में नज़र आए थे देव, एलेक्स ओ'नेल, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा शाह, इंद्रशीष रॉय, जॉन भट्टाचार्य, मिर्ची अग्नि एंड श्रीकांत आचार्य। फिल्म बेस्ड थी ऑन द लाइफ ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी पे, जो कि फादर है ऑफ इंडियन फुटबॉल। फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस पे, हालांकि टॉनिक भी ब्लॉकबस्टर रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बट एट द एंड इट्स रन टाइम गोलंदाज वॉज अ क्लीन थ्रेटिकल ब्लॉकबस्टर। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म फेयर अवार्ड बांग्ला 2021 भी विन करा था ध्रुव बनर्जी ने फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म। स्टोरी लाइन में जो कि बेस्ड रही है ट्रू इवेंट्स पर, डिपिक्ट करती है इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, जो कि फादर हैं ऑफ इंडियन फुटबॉल के, पहले इंडियन हैं टू प्ले द स्पोर्ट एंड ओपन अ प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब इन द कंट्री। विद दिस कास्टिंग की बात करें तो देव नज़र आए थे इन द कास्ट ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, अंकित मजुमदार एज यंग नरेंद्र प्रसाद, एंड विद दैट उनके साथ देखे गए थे अंकित मजुमदार यंग नरेंद्र प्रसाद के किरदार में, और साथ ही एलेक्स ओ'नेल एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन, अनिर्बन भट्टाचार्य एज भार्गव उपाध्याय, ईशा शाह एज कामालिनी देवी सर्वाधिकारी यानी कि नागेंद्र की वाइफ के रोल में, इंद्रशीष रॉय एज कैप्टन जितेंद्र बनर्जी और जॉन भट्टाचार्य एज विनोद भट्टाचार्य, तुम्हें श्रीकांत आचार्य एज सूर्य कुमार सर्वाधिकारी, जॉयदीप मुखर्जी एज प्रसन्ना कुमार सर्वाधिकारी। विद दैट एंड उनके साथ में काफ़ी और स्टार कास्ट रही है, जैसे कि तुलिका बासु एज नागेंद्र मदर, प्रंतिक चौधरी एज देशबंधु चित्रंजन दास, अग्निजीत सेन एज नरसिंह प्रसाद सेन शर्मा, उजान चाटर्जी एज मोनी दास, अमिताभ आचार्य एज सुरु दास, अनिर्बन सिकदार एज दुखी राम, विश्वजीत जाट एज ज्योता दिहारी। विद्यार्थ नज़र आए थे और भी, जैसे दुलाल दे, देवेश सरकार, जाकिर हुसैन, इंद्रजीत मजुमदार, इजेक तिरिक एज अखिलेश नज़र आए, तुम्हें अभिषेक सिंह एज फिलिप। फिल्म की जो प्रोडक्शन रही थी जिसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो लिस्ट था वो रिलीज़ हुआ था 25th of January 2020 में फ्रॉम द ट्विटर हैंडल ऑफ SVF, एंड दैट लिस्ट शोज दैट देव, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा शाह, इंद्रशीष रॉय, श्रीकांत आचार्य, जॉन भट्टाचार्य आर एक्टिंग इन द फिल्म। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल जो कि रिलीज़ हुआ था 2nd of April 2020 में रिवील करा था दैट एलेक्स ओ'नेल स्टार एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन एंटागोनिस्ट ऑफ द फिल्म, एंड ये तीसरी फिल्म है डायरेक्टर ध्रुव बनर्जी की, पहली बार उनका कोलैबोरेशन रहा था विद देव। हालांकि शूटिंग जो है शुरू हुई थी कोलकाता में फ्रॉम 5th of February 2020 में, कोविड की वजह से उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ी थी बीच में, बट रिज्यूम हो गई थी 1st of December 2020 में, एंड रैप्ड अप भी हो गया था प्रोजेक्ट शूटिंग बाय 24th of February 2021 तक। विद ऑल दिस जो फिल्म रही है उसको मिले थे पॉजिटिव टू मिक्स रिव्यूज़ क्रिटिक्स की तरफ से, और प्रेस करी गई थी विद द डायरेक्शन, एक्टिंग परफॉर्मेंसेज और म्यूजिक, बट फाउंड द स्क्रीन प्ले फ्लॉ। एंड एट फिल्म फेयर अवार्ड्स बांग्ला 2021 ध्रुव बनर्जी वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म। एंड फिल्म की जो रिलीजिंग रही थी थिएटर्स में 10th of October 2021 में रिलीज़ हुई थी।
and with the Hindi dubbed version also released theatrically on 12th of November 2021 as officially by SVF, and it is soon to arrive as world digital premiere in our mobile phones, laptops and TVs mein in SVF official with OTT platform Hoi Choi, and internationally on Amazon Prime Video and later as world television premiere par aayi thi on channels Star Jalsa. With that soundtrack ki baat ki jaye to background scoring jo ki compose kari gayi thi by Bikram Ghosh aur lyrics likhe gaye the by Srijito aur Sugato Guha ki taraf se. Overall दोस्तों film ki jo soundtrack rahi hai लगभग 15 मिनट का रहा है, जिसमें कि जुदंग देही गाया था निर्मल्या रॉय और शुमान गांगुली ने, वंदे मातरम गाया था निर्मल्या रॉय ने, राशीर गान गाया गया था बाय शुमान गांगुली और उज्जैनी मुखर्जी की तरफ से, विद दैट स्वप्नेरे दिन बाय शुमान गांगुली, जे चलो अमार was also by Shivon Ganguly, and Govinda Murari was sung by Iman Chatterjee. आखिर दोस्तों जो फिल्म की स्टार कास्ट रही है, जानते हैं कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका ऑन स्क्रीन पर. तो बात करते हैं दोस्तों देव की, जो कि फिल्म में मेन लीड का रोल निभा रहे थे. नागेंद्र प्रसाद का इज अ नोन फॉर अपने स्टेज नेम देव के नाम से जाने जाते हैं, बट एक्चुअल नेम है उनका दीपक अधिकारी, एक इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और स्क्रीन राइटर है. साथ ही साथ बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने. विद ऑल दिस रिसेंटली एज पॉलिटिशियन भी वर्क कर रहे हैं, ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स. तो वही एक्टिंग डेब्यू हुआ था उनका 2006 की फिल्म अग्निशपथ से अपोजिट रचना बैनर्जी, जिसमें कि उन्होंने फ्लैग फेस करा था अपनी कुछ रिलीज के बाद. और उनका जो रोल रहा था इन द फिल्म आई लव यू अपोजिट पायल सरकार ब्रेक थ्रू था. डायरेक्टेड बाय रवि किनाजी, फिल्म क्रिटिकली अनसक्सेसफुल थी बट वॉज कमर्शली सक्सेसफुल एंड वॉज क्विक टू रीसेलेक्ट हिज करियर डिस्पाइट द सक्सेस. उन्हें 14 महीने तक कुछ काम नहीं मिला था. फिर उनका कम बैक हुआ था सिल्वर स्क्रीन पर विद द फिल्म प्रेमा कहिनी इन 2008 अपोजिट कोयल मलिक. उनकी पहली फिल्म थी जिसमें कि वो उन्हें काफ़ी इसके बाद काफ़ी सारी फिल्म्स मिली थी. और रीमेक ऑफ द 2006 कन्नड़ हिट मुंगारू मेल फिल्म मॉडरेट सक्सेस रही थी, एंड उन्हें अपना अगला ब्रेक थ्रू मिला था विद द फिल्म चैलेंज इन 2009 विच ओपन टू क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस, एंड ही रिसीव्ड द आनंदालोक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्शन हीरो फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म. एंड कंटिन्यू रहा था उनका सक्सेस, कमर्शियल सक्सेस और वाइडर अटेंशन थ्रू हिज सक्सेस फिल्म्स लाइक ले चक्का, द्वी पृथ्वी, पगलू, चैलेंज टू, कोका 420, रंगबाज, चंद्र पहर, एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी फिल्म्स के लिए उन्हें अवार्ड मिले हैं. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेंटोर भी रह चुके हैं ऑन डांस बैंगलोर रियलिटी शो डांस बैंगलोर डांस पर, जिसमें कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को रिप्लेस करा था, एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन द लोकसभा रिप्रेजेंटिंग घाटर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंस 2014 और एंड एज अ कैंडिडेट फ्रॉम द पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. अदर देन दिस बात की जाए फिल्म्स की तो काफ़ी सारी फिल्म रही हैं एज एन एक्टर एज अ प्रोड्यूसर. स्पेशल अपीयरेंसेस भी रहा है उनका कुछ फिल्म्स में, एंड एज अ सिंगर भी रहा है, एज अ सिंगर रह चुके हैं इन द फिल्म लाइक चाम, कोका बाबू में. तो मैं कुछ म्यूजिक वीडियोस करी हैं फॉर द एल्बम्स लाइक क्रेजी बेरी मिक्स, एंड कुछ अननोन रही है. विद ऑल दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म की अगली कास्ट के बारे में, जो कि थी ईशा शाह, इज एन वेल नोन इंडियन एक्ट्रेस इन बंगाली सिनेमा.
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी विद बंगाली टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्किट, जो कि डायरेक्ट करा गया था बाय अनन्या चटर्जी। एंड उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय फिल्म मेकर ध्रुवो बैनर्जी की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं 2021 में रिलीज हुई बंगाली हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की, जिसको डायरेक्ट करा था ध्रुवो बैनर्जी ने और प्रोड्यूस करी गई थी बाय श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी की तरफ से अंडर द बैनर ऑफ SVF। और साथ ही फिल्म में नजर आए थे देव, एरिक सोनल, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा साह, इंद्रशीष रॉय, जॉन भट्टाचार्य, मिर्ची अग्नि एंड श्रीकांत भट्टाचार्य। फिल्म बेस्ड थी ऑन द लाइफ ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी पे, जो कि फादर है ऑफ इंडियन फुटबॉल। फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस पे, हालांकि टॉनिक भी ब्लॉकबस्टर रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बट एट द एंड इट्स वन टाइम गोलंदाज वॉज अ क्लीन थ्रेटिकल ब्लॉकबस्टर। सविता ने फिल्म फेयर अवार्ड बांग्ला 2021 भी विन करा था ध्रुवो बैनर्जी ने फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म। स्टोरी लाइन में जो कि बेस्ड रही है ट्रू इवेंट्स पर, डिपिक्ट करती है इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, जो कि फादर हैं ऑफ इंडियन फुटबॉल के, पहले इंडियन हैं टू प्ले द स्पोर्ट एंड ओपन अ प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब इन द कंट्री। विद दिस कास्टिंग की बात करें तो देव नज़र आए थे इन द कास्ट ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, अंकित मजुमदार एज यंग नरेंद्र प्रसाद, एंड विद दैट उनके साथ देखे गए थे अंकित मजुमदार यंग नरेंद्र प्रसाद के किरदार में, और साथ ही एलेक्स ओनिल एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन, अनिर्बन भट्टाचार्य एज भार्गव उपाध्याय, ईशा साह एज कामालिनी देवी सर्वाधिकारी यानी कि नागेंद्र की वाइफ के रोल में, इंद्रशीष रॉय एज कैप्टन जितेंद्र बैनर्जी और जॉन भट्टाचार्य एज विनोद भट्टाचार्य, तुम्हें श्रीकांत आचार्य एज सूर्य कुमार सर्वाधिकारी, जॉयदीप मुखर्जी एज प्रसन्न कुमार सर्वाधिकारी विद दैट। एंड उनके साथ में काफ़ी और स्टार कास्ट रही है जैसे कि तुलिका बासु एज नागेंद्र मदर, प्रंतिक चौधरी एज देशबंधु चित्रंजन दास, अग्निजीत सेन एज नरसिंह प्रसाद सेन शर्मा, उजान चटर्जी एज मोनी दास, अमिताभ आचार्य एज सुरु दास, अनिर्बन सिकदार एज दुखी राम, विश्वजीत जाट एज ज्योता दिहारी। विद्यार्ड नजर आए थे और भी जैसे दुलाल दे, देवेश सरकार, जाकिर हुसैन, इंद्रजीत मजुमदार, इजेक तिरिक एज अखिलेश नजर आए, तुम्हें अभिषेक सिंह एज फिलिप। फिल्म की जो प्रोडक्शन रही थी जिसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो लिस्ट था वो रिलीज हुआ था 25th ऑफ जनवरी 2020 में फ्रॉम द ट्विटर हैंडल ऑफ SVF, एंड दैट लिस्ट शोज दैट देव, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा साह, इंद्रशीष रॉय, श्रीकांत आचार्य, जॉन भट्टाचार्य आर एक्टिंग इन द फिल्म। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल जो कि रिलीज हुआ था 2nd ऑफ अप्रैल 2020 में रिवील करा था दैट एलेक्स ओनिल स्टार एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन एंटागोनिस्ट ऑफ द फिल्म, एंड ये तीसरी फिल्म है डायरेक्टर ध्रुवो बैनर्जी की, पहली बार उनका कोलैबोरेशन रहा था विद देव। हालांकि शूटिंग जो है शुरू हुई थी कोलकाता में फ्रॉम 5th ऑफ फरवरी 2020 में, कोविड की वजह से उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ी थी बीच में,
बट रिज्यूम हो गई थी 1 दिसंबर 2020 में, ड्राफ्ट अप भी हो गया था प्रोजेक्ट, शूटिंग बाय 24 फरवरी 2021 तक। विद ऑल दिस जो फिल्म रही है उसको मिले थे पॉजिटिव टू मिक्स रिव्यूज़ क्रिटिक्स की तरफ से, और प्रेस करी गई थी विद डायरेक्शन, एक्टिंग परफॉर्मेंसेज और म्यूजिक, बट फाउंड द स्क्रीन प्ले फ्लॉर। एंड एट फिल्मफेयर अवार्ड्स बांग्ला 2021 ध्रुव बनर्जी वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म। एंड फिल्म की जो रिलीजिंग रही थी थिएटर्स में 10th of October 2021 में रिलीज हुई थी, एंड विद हिंदी डब्ड वर्जन ऑल्सो रिलीज थिएटिकली ऑन 12th of November 2021 एज ऑफिशियली बाई SVF, एंड इट इज सून टू अराइव एज वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर इन आर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड TVs में इन SVF ऑफिशियल वे OTT प्लेटफॉर्म होई चोई, एंड इंटरनेशनली ऑन Amazon प्राइम वीडियो एंड लेटर एज वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर पर आई थी ऑन चैनल स्टार जलसा। विद दैट साउंड ट्रैक की बात की जाए तो बैकग्राउंड स्कोरिंग जो कि कंपोज करी गई थी बाय विक्रम घोष, और लिरिक्स लिखे गए थे बाय श्रीजतो और सुगातो बुआ की तरफ से। ओवरऑल दोस्तों फिल्म की जो साउंड ट्रैक रही है लगभग 15 मिनट का रहा है, जिसमें कि जुदंग देही गाया था निर्मल्या रॉय और शुमान गांगुली ने, वंदे मातरम गाया था निर्मल्या रॉय ने, राशिद गान गाया गया था बाय शुमान गांगुली और उज्जैनी मुखर्जी की तरफ से। विद दैट स्वप्नेरे दिन बाय शुमान गांगुली, जे चलो अमार वॉज ऑल्सो बाय शुमान गांगुली, एंड गोविंदो मुरारी वॉज संग बाय इमान चटर्जी। आखिर दोस्तों जो फिल्म की स्टारकास्ट रही है, जानते हैं कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका ऑन स्क्रीन पर। तो बात करते हैं दोस्तों देव की, जो कि फिल्म में मेन लीड का रोल निभा रहे थे नागेंद्र प्रसाद का। इज अ नोन फॉर अपने स्टेज नेम देव के नाम से जाने जाते हैं, बट एक्चुअल नेम है उनका दीपक अधिकारी, एक इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और स्क्रीन राइटर है। साथ ही साथ बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने। विद ऑल दिस रिसेंटली एज पॉलिटिशियन भी वर्क कर रहे हैं, ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स। तो भाई एक्टिंग डेब्यू हुआ था उनका 2006 की फिल्म अग्निशपथ से अपोजिट रचना बनर्जी, जिसमें कि उन्होंने फ्लैग फेस करा था अपनी कुछ रिलीज के बाद। और उनका जो रोल रहा था इन द फिल्म आई लव यू अपोजिट पायल सरकार ब्रेक थ्रू था। डायरेक्टेड बाय रवि किनाजी, फिल्म क्रिटिकली अनसक्सेसफुल थी बट वॉज कमर्शली सक्सेसफुल एंड वॉज क्विक टू रीसेलेक्ट हिज करियर डिस्पाइट द सक्सेस। उन्हें 14 महीने तक कुछ काम नहीं मिला था। फिर उनका कमबैक हुआ था सिल्वर स्क्रीन पर विद द फिल्म प्रेमा कहिनी इन 2008 अपोजिट कोयल मलिक। उनकी पहली फिल्म थी जिसमें कि वो उन्हें काफ़ी इसके बाद काफ़ी सारी फिल्म्स मिली थी। और रीमेक ऑफ द 2006 कन्नड़ हिट मुंगारू मेल फिल्म मॉडरेट सक्सेस रही थी, एंड उन्हें अपना अगला ब्रेक थ्रू मिला था विद द फिल्म चैलेंज in 2009 which opened to critical and commercial success, and he received the Anandalok award for best actor, best action hero for his performance in the film, and continue raha tha unka success, commercial success or wider attention through his success films like Le Chakka, Dui Prithvi, Paglu, Challenge 2, Koka 420, रंगबाज, चंद्र पहर, एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी फिल्म्स के लिए उन्हें अवार्ड मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेंटोर भी रह चुके हैं ऑन डांस बांग्ला रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस पर, जिसमें कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को रिप्लेस करा था, एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन द लोकसभा रिप्रेजेंटिंग घाथर कॉन्स्टिट्यूएंसी since 2014 or and as a candidate from the party All India Trinamool Congress।
अदर देन दिस बात की जाए फिल्म्स की, तो काफ़ी सारी फिल्म्स रही हैं एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, स्पेशल अपीयरेंसेस भी रहा है उनका कुछ फिल्म्स में, एंड एज अ सिंगर भी रहा है, एज अ सिंगर रह चुके हैं इन द फिल्म लाइक चांद कोका बाबू में, तो मैं कुछ म्यूजिक वीडियोस करी हैं फॉर द एल्बम्स लाइक क्रेजी बेरी मिक्स एंड कुछ अननोन रही हैं। विद ऑल दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म की अगली कास्ट के बारे में, जो कि थी ईशा शाह, इज एन वेल नोन इंडियन एक्ट्रेस एंड बंगाली सिंगर। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी विद बंगाली टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्किट, जो कि डायरेक्ट करा गया था बाय अनिंदिया चाटर्जी, एंड उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय फिल्म मेकर ध्रुवो बैनर्जी की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं 2021 में रिलीज हुई बंगाली हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की, जिसको डायरेक्ट करा था ध्रुवो बैनर्जी ने और प्रोड्यूस करी गई थी बाय श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी की तरफ से अंडर द बैनर ऑफ SVF। और साथ ही फिल्म में नजर आए थे देव, एलेक्स ओ'नेल, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा शाह, इंद्रशीष रॉय, जॉन भट्टाचार्य, मिर्ची अग्नि एंड श्रीकांत भट्टाचार्य। फिल्म बेस्ड थी ऑन अ लाइफ ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी पे, जो कि फादर है ऑफ इंडियन फुटबॉल। फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस पे, हालांकि टॉनिक भी ब्लॉकबस्टर रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बट एट द एंड इट्स रन टाइम गोलंदाज वॉज अ क्लीन थ्रेटिकल ब्लॉकबस्टर। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म फेयर अवार्ड बांग्ला 2021 भी विन करा था ध्रुवो बैनर्जी ने फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म स्टोरी लाइन में, जो कि बेस्ड रही है ट्रू इवेंट्स पर, डिपिक्ट करती है इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, जो कि फादर हैं ऑफ इंडियन फुटबॉल के, पहले इंडियन हैं टू प्ले द स्पोर्ट एंड ओपन अ प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब इन द कंट्री। विद दिस कास्टिंग की बात करें तो देव नज़र आए थे इन द कास्ट ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, अंकित मजुमदार एज यंग नरेंद्र प्रसाद, एंड विद दैट उनके साथ देखे गए थे अंकित मजुमदार यंग नरेंद्र प्रसाद के किरदार में, और साथ ही एलेक्स ओ'नेल एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन, अनिर्बन भट्टाचार्य एज भार्गव उपाध्याय, ईशा शाह एज कामालिनी देवी सर्वाधिकारी यानी कि नागेंद्र की वाइफ के रोल में, इंद्रशीष रॉय एज कैप्टन जितेंद्र बैनर्जी, और जॉन भट्टाचार्य एज विनोद भट्टाचार्य, तुम्हें श्रीकांत आचार्य एज सूर्य कुमार सर्वाधिकारी, जॉयदीप मुखर्जी एज प्रसन्न कुमार सर्वाधिकारी। विद दैट एंड उनके साथ में काफ़ी और स्टार कास्ट रही है, जैसे कि तुलिका बासु एज नागेंद्र मदर, प्रंतिक चौधरी एज देशबंधु चित्रंजन दास, अग्निजीत सेन एज नरसिंह प्रसाद सेन शर्मा, उजान चैटर्जी एज मोनी दास, अमिताभ आचार्य एज सुरो दास, अनिर्बन सिकदार एज दुखी राम, विश्वजीत जाट एज ज्योता दिहारी। विद्यार्थ नजर आए थे और भी, जैसे दुलाल दे, देवेश सरकार, जाकिर हुसैन, इंद्रजीत मजुमदार, इजेक तिरिक एज अखिलेश नजर आए तुम्हें, अभिषेक सिंह एज फिलिप। फिल्म की जो प्रोडक्शन रही थी, जिसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो लिस्ट था वो रिलीज़ हुआ था 25th of January 2020 में फ्रॉम द ट्विटर हैंडल ऑफ SVF, एंड दैट लिस्ट शोज दैट देव, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा शाह, इंद्रशीष रॉय, श्रीकांत आचार्य,
जॉन भट्टाचार्य आर एक्टिंग इन द फिल्म। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल जो कि रिलीज हुआ था 2 अप्रैल 2020 में, रिवील करा था दैट एलेक्स ओनील स्टार एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन एंटागोनिस्ट ऑफ द फिल्म। एंड ये तीसरी फिल्म है डायरेक्टर ध्रुव बैनर्जी की, पहली बार उनका कोलैबोरेशन रहा था विद देव। हालांकि शूटिंग जो है शुरू हुई थी कोलकाता में फ्रॉम 5 फरवरी 2020 में, कोविड की वजह से उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ी थी बीच में, बट रिज्यूम हो गई थी 1 दिसंबर 2020 में। रैप्ड अप भी हो गया था प्रोजेक्ट शूटिंग बाय 24 फरवरी 2021 तक। विद ऑल दिस जो फिल्म रही है उसको मिले थे पॉजिटिव टू मिक्स रिव्यूज़ क्रिटिक्स की तरफ से, और प्रेस करी गई थी विद द डायरेक्शन एक्टिंग परफॉर्मेंसेस और म्यूजिक, बट फाउंड द स्क्रीन प्ले फ्लॉर। एंड एट फिल्म फेयर अवार्ड्स बांग्ला 2021 ध्रुव बैनर्जी वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म। एंड फिल्म की जो रिलीजिंग रही थी थिएटर्स में 10 अक्टूबर 2021 में रिलीज हुई थी, एंड विद द हिंदी डब वर्जन ऑल्सो रिलीज थिएटिकली ऑन 12 नवंबर 2021 एज ऑफिशियली बाय SVF, एंड इट इज सून टू अराइव एज वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर इन आर मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स एंड TVs में इन SVF ऑफिशियल विद OTT प्लेटफॉर्म होई चोई, एंड इंटरनेशनली ऑन Amazon प्राइम वीडियो एंड लेटर एज वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर पर आई थी ऑन चैनल स्टार जलसा। विद दैट साउंड ट्रैक की बात की जाए तो बैकग्राउंड स्कोरिंग जो कि कंपोज करी गई थी बाय विक्रम घोष और लिरिक्स लिखे गए थे बाय श्रीजितो और सुगातो गुहा की तरफ से। ओवरऑल दोस्तों फिल्म की जो साउंड ट्रैक रही है लगभग लगभग 15 मिनट का रहा है, जिसमें कि जुदंग देही गाया था निर्मला रॉय और शुमान गांगुली ने, वंदे मातरम गाया था निर्मला रॉय ने, राशीर गान गाया था बाय शुमान गांगुली और उज्जैनी मुखर्जी की तरफ से। विद दैट स्वप्नेरे दिन बाय शुमान गांगुली, जे चलो अमार वॉज ऑल्सो बाय शुमान गांगुली, एंड गोविंदो मुरारी वॉज संग बाय इमान चटर्जी। आखिर दोस्तों जो फिल्म की स्टारकास्ट रही है जानते हैं कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका ऑन स्क्रीन पर। तो बात करते हैं दोस्तों देव की, जो कि फिल्म में मेन लीड का रोल निभा रहे थे नागेंद्र प्रसाद का। इज अ नोन फॉर अपने स्टेज नेम देव के नाम से जाने जाते हैं, बट एक्चुअल नेम है उनका दीपक अधिकारी, एक इंडियन एक्टर प्रोड्यूसर सिंगर और स्क्रीन राइटर है, साथ ही साथ बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने। विद ऑल दिस रिसेंटली एज पॉलिटिशियन भी वर्क कर रहे हैं, ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स। तो वही एक्टिंग डेब्यू हुआ था उनका 2006 की फिल्म अग्निशपथ से अपोजिट रचना बैनर्जी, जिसमें कि उन्होंने फ्लैग फेस करा था अपनी कुछ रिलीज के बाद। और उनका जो रोल रहा था इन द फिल्म आई लव यू अपोजिट पायल सरकार ब्रेक थ्रू था। डायरेक्टेड बाय रवि किनाजी, फिल्म क्रिटिकली अनसक्सेसफुल थी बट वॉज कमर्शियली सक्सेसफुल एंड वॉज क्विक टू रीसेलेक्ट हिज करियर डिस्पाइट द सक्सेस। उन्हें 14 महीने तक कुछ काम नहीं मिला था। फिर उनका कमबैक हुआ था सिल्वर स्क्रीन पर विद द फिल्म प्रेमा कहिनी इन 2008 अपोजिट कोयल मलिक। उनकी पहली फिल्म थी जिसमें कि वो उन्हें काफ़ी इसके बाद काफ़ी सारी फिल्म्स मिली थी। और रीमेक ऑफ द 2006 कन्नड़ हिट मुंगारू मेल फिल्म मॉडरेट सक्सेस रही थी, एंड उन्हें अपना अगला ब्रेक थ्रू मिला था विद द फिल्म चैलेंज in 2009 which opened to critical and commercial success, and he received the Anandalok award for best actor best action hero for his performance in the film, and continue raha tha unka success commercial success or wider attention through his success films like
लेचका, द्विपृथ्वी, पगलू, चैलेंज टू, कोबा 420, रंगबाज, चंद्रपहर एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी फिल्म्स के लिए उन्हें अवार्ड मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेंटोर भी रह चुके हैं ऑन डांस बैंगलोर रियलिटी शो डांस बैंगलोर डांस पर, जिसमें कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को रिप्लेस करा था एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन द लोकसभा रिप्रेजेंटिंग घाटर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंस 2014 और एंड एज अ कैंडिडेट फ्रॉम द पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अदर देन दिस बात की जाए फिल्म्स की तो काफ़ी सारी फिल्म्स रही हैं एज एन एक्टर एज अ प्रोड्यूसर, स्पेशल अपीयरेंसेस भी रहा है उनका कुछ फिल्म्स में एंड एज अ सिंगर भी रहा है, एज अ सिंगर रह चुके हैं इन द फिल्म लाइक चैम्प, कोका बाबू में, तो वहीं कुछ म्यूजिक वीडियोस करी हैं फॉर द एल्बम्स लाइक क्रेजी बेरी मिक्स एंड कुछ अननोन रही हैं। विद ऑल दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म की अगली कास्ट के बारे में जो कि थी ईशा शाह, इज एन वेल नोन इंडियन एक्ट्रेस एंड बंगाली सिंगर। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी विद बंगाली टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्किट जो कि डायरेक्ट करा गया था बाय अनिंदिया चैटर्जी एंड उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय फिल्म मेकर ध्रुवो बैनर्जी की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं 2021 में रिलीज़ हुई बंगाली हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की, जिसको डायरेक्ट करा था ध्रुवो बैनर्जी ने और प्रोड्यूस करी गई थी बाय श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी की तरफ से अंडर द बैनर ऑफ SVF। और साथ ही फिल्म में नज़र आए थे देव, एरिक्स ओनिल, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा शाह, इंद्रशीष रॉय, जॉन भट्टाचार्य, मिर्ची अग्नि एंड श्रीकांत भट्टाचार्य। फिल्म बेस्ड थी ऑन अ लाइफ ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी पे जो कि फादर है ऑफ इंडियन फुटबॉल। फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस पे, हालांकि टॉनिक भी ब्लॉकबस्टर रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बट एट द एंड इट्स रन टाइम गोलंदाज वॉज अ क्लीन थ्रेटिकल ब्लॉकबस्टर। सिर्फ इतना ही नहीं फिल्म फेयर अवार्ड बांग्ला 2021 भी विन करा था ध्रुवो बैनर्जी ने फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म स्टोरी लाइन में जो कि बेस्ड रही है ट्रू इवेंट्स पर, डिपिक्ट करती है इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी जो कि फादर हैं ऑफ इंडियन फुटबॉल के, पहले इंडियन हैं टू प्ले द स्पोर्ट एंड ओपन अ प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब इन द कंट्री। विद दिस कास्टिंग की बात करें तो देव नज़र आए थे इन द कास्ट ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, अंकित मजुमदार एज यंग नरेंद्र प्रसाद एंड विद दैट उनके साथ देखे गए थे अंकित मजुमदार यंग नरेंद्र प्रसाद के किरदार में और साथ ही एलेक्स ओनिल एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन, अनिर्बन भट्टाचार्य एज भार्गव उपाध्याय, ईशा शाह एज कामालिनी देवी सर्वाधिकारी यानी कि नागेंद्र की वाइफ के रोल में, इंद्रशीष रॉय एज कैप्टन जितेंद्र बैनर्जी और जॉन भट्टाचार्य एज विनोद भट्टाचार्य, तुम्हें श्रीकांत आचार्य एज सूर्य कुमार सर्वाधिकारी, जॉयदीप मुखर्जी एज प्रसन्न कुमार सर्वाधिकारी विद दैट एंड उनके साथ में काफ़ी और स्टार कास्ट रही है जैसे कि तुलिका बासु एज नागेंद्र मदर, प्रंतिक चौधरी एज देशबंधु चित्रंजन दास, अग्निजीत सेन एज नरसिंह प्रसाद सेन शर्मा, उजान चैटर्जी एज मोनी दास, अमिताभ आचार्य एज सुरो दास, अनिर्बन सिकदार एज दुखी राम, विश्वजीत जाट एज ज्योता दिहारी।
विद्वान नजर आए थे और भी, जैसे दुलाल दे, देवेश सरकार, जाकिर हुसैन, इंद्रजीत मजुमदार, इज़ैक तिरिक एज अखिलेश नज़र आए तुम्हें, अभिषेक सिंह एज फिलिप। फिल्म की जो प्रोडक्शन रही थी, जिसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो लिस्ट था वो रिलीज़ हुआ था 25 जनवरी 2020 में फ्रॉम द ट्विटर हैंडल ऑफ SVF, एंड दैट लिस्ट शोज दैट देव, अनिर्बल भट्टाचार्य, ईशा शाह, इंद्रशीष रॉय, श्रीकांत आचार्य, जॉन भट्टाचार्य आर एक्टिंग इन द फिल्म। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल जो कि रिलीज़ हुआ था 2 अप्रैल 2020 में रिवील करा था दैट एलेक्स ओनील स्टार एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन एंटागोनिस्ट ऑफ द फिल्म, एंड ये तीसरी फिल्म है डायरेक्टर ध्रुव बैनर्जी की। पहली बार उनका कोलैबोरेशन रहा था विद देव। हालांकि शूटिंग जो है शुरू हुई थी कोलकाता में फ्रॉम 5 फरवरी 2020 में, कोविड की वजह से उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ी थी बीच में, बट रिज्यूम हो गई थी 1 दिसंबर 2020 में, एंड रैप्ड अप भी हो गया था प्रोजेक्ट शूटिंग बाय 24 फरवरी 2021 तक। विद ऑल दिस जो फिल्म रही है उसको मिले थे पॉजिटिव टू मिक्स रिव्यूज़ क्रिटिक्स की तरफ से, और प्रेस करी गई थी विद द डायरेक्शन, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस और म्यूजिक, बट फाउंड द स्क्रीन प्ले फ्लॉड। एंड एट फिल्म फेयर अवार्ड्स बांग्ला 2021 ध्रुव बैनर्जी वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म। एंड फिल्म की जो रिलीजिंग रही थी थिएटर्स में 10 अक्टूबर 2021 में रिलीज़ हुई थी, एंड विद द हिंदी डब्ड वर्जन ऑल्सो रिलीज थिएटिकली ऑन 12 नवंबर 2021 एज ऑफिशियली बाय SVF, एंड इट इज सून टू अराइव एज वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर इन आर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड TVs में इन SVF ऑफिशियल वे OTT प्लेटफॉर्म होई चोई, एंड इंटरनेशनली ऑन Amazon प्राइम वीडियो एंड लेटर एज वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर पर आई थी ऑन चैनल स्टार्स ऑल्सो। विद दैट साउंड ट्रैक की बात की जाए तो बैकग्राउंड स्कोरिंग जो कि कंपोज करी गई थी बाय विक्रम घोष, और लिरिक्स लिखे गए थे बाय श्रीजितो और सुगातो बुआ की तरफ से। ओवरऑल दोस्तों फिल्म की जो साउंड ट्रैक रही है लगभग 15 मिनट का रहा है, जिसमें कि जुदंग देही गाया था निर्मल्या रॉय और शुमान गांगुली ने, वंदे मातरम गाया था निर्मल्या रॉय ने, राशीर गान गाया था बाय शुमान गांगुली और उज्जैनी मुखर्जी की तरफ से, विद दैट स्वप्नेरे दिन बाय शुमान गांगुली, जे चिलो अमार वॉज ऑल्सो बाय शुमान गांगुली, एंड गोविंद मुरारी वॉज संग बाय इमान चटर्जी। आखिर दोस्तों जो फिल्म की स्टार कास्ट रही है, जानते हैं कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका ऑन स्क्रीन पर। तो बात करते हैं दोस्तों देव की, जो कि फिल्म में मेन लीड का रोल निभा रहे थे नागेंद्र प्रसाद का। इज अ नोन फॉर अपने सेज नेम देव के नाम से जाने जाते हैं, बट एक्चुअल नेम है उनका दीपक अधिकारी, एक इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और स्क्रीन राइटर है। साथ ही साथ बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने। विद ऑल दिस रिसेंटली एज पॉलिटिशियन भी वर्क कर रहे हैं, ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स। तो वही एक्टिंग डेब्यू हुआ था उनका 2006 के फिल्म अग्निशपथ से अपोजिट रचना बैनर्जी, जिसमें कि उन्होंने फ्लैग फेस करा था अपनी कुछ रिलीज के बाद। और उनका जो रोल रहा था इन द फिल्म आई लव यू अपोजिट पायल सरकार ब्रेक थ्रू था। डायरेक्टेड बाय रवि किनाजी, फिल्म क्रिटिकली अनसक्सेसफुल थी बट वॉज कमर्शियली सक्सेसफुल एंड वॉज क्विक टू रीसेलेक्ट हिज करियर डिस्पाइट द सक्सेस। उन्हें 14 महीने तक कुछ काम नहीं मिला था। फिर उनका कमबैक हुआ था सिल्वर स्क्रीन पर विद द फिल्म प्रेमा कहिनी इन 2008 अपोजिट कोयल मलिक। उनकी पहली फिल्म थी जिसमें कि वो उन्हें काफ़ी
इसके बाद काफ़ी सारी फिल्म्स मिली थी और रीमेक ऑफ द 2006 कन्नड़ हिट मुंगारू मेल फिल्म मॉडरेट सक्सेस रही थी एंड उन्हें अपना अगला ब्रेक थ्रू मिला था विद द फिल्म चैलेंज इन 2009 विच ओपन टू क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस एंड ही रिसीव द आनंदालोक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्शन हीरो फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म एंड कंटिन्यू रहा था उनका सक्सेस कमर्शियल सक्सेस और वाइडर अटेंशन थ्रू हिज सक्सेस फिल्म्स लाइक ले चक्का द्वीप पृथ्वी पगलू चैलेंज टू कोका 420 रंग बास चंद्र पहर एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी फिल्म्स के लिए उन्हें अवार्ड मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेंटोर भी रह चुके हैं ऑन डांस बैंगलोर रियलिटी शो डांस बैंगलोर डांस वर्ल्ड जिसमें कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को रिप्लेस करा था एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन द लोकसभा रिप्रेजेंटिंग घाटर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंस 2014 और एंड एज अ कैंडिडेट फ्रॉम द पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अदर देन दिस बात की जाए फिल्म्स की तो काफ़ी सारी फिल्म रही हैं एज एन एक्टर एज अ प्रोड्यूसर स्पेशल अपीयरेंसेस भी रहा है उनका कुछ फिल्म्स में एंड एज अ सिंगर भी रहा है एज अ सिंगर रह चुके हैं इन द फिल्म लाइक चैंप कोका बाबू में तो वहीं कुछ म्यूजिक वीडियोस करी हैं फॉर द एल्बम्स लाइक क्रेजी बेरी मिक्स एंड कुछ अननोन रही है। विद ऑल दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म की अगली कास्ट के बारे में जो कि थी ईशा शाह इज एन वेल नोन इंडियन एक्ट्रेस इन बंगाली सिनेमा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी विद बंगाली टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्किट जो कि डायरेक्ट करा गया था बाय अनिंदिया चैटर्जी एंड उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय फिल्म मेकर ध्रुवो बैनर्जी की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं 2021 में रिलीज हुई बंगाली हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की जिसको डायरेक्ट करा था ध्रुवो बैनर्जी ने और प्रोड्यूस करी गई थी बाय श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी की तरफ से अंडर द बैनर ऑफ SVF और साथ ही फिल्म में नजर आए थे देव एलेक्स ओनेल अनिर्बन भट्टाचार्य ईशा शाह इंद्रशीष रॉय जॉन भट्टाचार्य मिर्ची अग्नि एंड श्रीकांत भट्टाचार्य। फिल्म बेस्ड थी ऑन अ लाइफ ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी पे जो कि फादर है ऑफ इंडियन फुटबॉल। फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस पे हालांकि टॉनिक भी ब्लॉकबस्टर रही थी बॉक्स ऑफिस पे बट एट द एंड इट्स रन टाइम गोलंदाज वॉज अ क्लीन थ्रेडिकल ब्लॉकबस्टर। सिर्फ इतना ही नहीं फिल्म फेयर अवार्ड बांग्ला 2021 भी विन करा था ध्रुवो बैनर्जी ने फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म स्टोरी लाइन में जो कि बेस्ड रही है ट्रू इवेंट्स पर डिपिक्ट करती है इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी जो कि फादर हैं ऑफ इंडियन फुटबॉल के पहले इंडियन हैं टू प्ले द स्पोर्ट एंड ओपन अ प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब इन द कंट्री। विद दिस कास्टिंग की बात करें तो देव नज़र आए थे इन द कास्ट ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी अंकित मजुमदार एज यंग नरेंद्र प्रसाद एंड विद दैट उनके साथ देखे गए थे अंकित मजुमदार यंग नरेंद्र प्रसाद के किरदार में और साथ ही एलेक्स ओनेल एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन अनिर्बन भट्टाचार्य एज भार्गव उपाध्याय ईशा शाह एज कामालिनी देवी सर्वाधिकारी यानी कि नागेंद्र की वाइफ के रोल में इंद्रशीष रॉय एज कैप्टन जितेंद्र बैनर्जी और जॉन भट्टाचार्य एज विनोद भट्टाचार्य तुम्हें श्रीकांत आचार्य एज सूर्य कुमार सर्वाधिकारी जॉयदीप मुखर्जी एज प्रसन्ना कुमार सर्वाधिकारी विद दैट
खान, उनके साथ में काफ़ी और स्टार कास्ट रही है, जैसे कि तुलिका बासु आजमा गेम्स मदर, प्रंतिक चौधरी आज देशबंधु चित्रंजन दास, अग्निजीत सेन आज नरसिंह प्रसाद सेन शर्मा, उजान चाटर्जी आज मोनी दास, अमिताभ आचार्य आज सुरो दास, अनिर्बन सिकदार आज दुखी राम, विश्वजीत जाट आज ज्योता दिहारी विद्यार्थ नजर आए थे। और भी जैसे दुलाल दे, देवेश सरकार, जाकिर हुसैन, इंद्रजीत मजुमदार, इजेक तिरिक एज अखिलेश नजर आए, तुम्हें अभिषेक सिंह एज फिलिप। फिल्म की जो प्रोडक्शन रही थी, जिसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो लिस्ट था वो रिलीज हुआ था 25 जनवरी 2020 में फ्रॉम द ट्विटर हैंडल ऑफ SVF, एंड दैट लिस्ट शोज दैट देव, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा साह, इंद्रशीष रॉय, श्रीकांत आचार्य, जॉन भट्टाचार्य आर एक्टिंग इन द फिल्म। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल जो कि रिलीज हुआ था 2 अप्रैल 2020 में रिवील करा था दैट एलेक्स ओनिल स्टार एज मेजर फेडरिक जैक्सन एंटागोनिस्ट ऑफ द फिल्म। एंड ये तीसरी फिल्म है डायरेक्टर ध्रुव बैनर्जी की, पहली बार उनका कोलैबोरेशन रहा था विद देव। हालांकि शूटिंग जो है शुरू हुई थी कोलकाता में फ्रॉम 5 फरवरी 2020 में, कोविड की वजह से उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ी थी बीच में, बट रिज्यूम हो गई थी 1 दिसंबर 2020 में। एंड रैप्ड अप भी हो गया था प्रोजेक्ट शूटिंग बाय 24 फरवरी 2021 तक। विद ऑल दिस जो फिल्म रही है उसको मिले थे पॉजिटिव टू मिक्स रिव्यूज क्रिटिक्स की तरफ से, और प्रेस करी गई थी विद डायरेक्शन, एक्टिंग परफॉर्मेंसेज और म्यूजिक, बट फाउंड द स्क्रीन प्ले फ्लॉ। एंड एट फिल्म फेयर अवार्ड्स बांग्ला 2021 ध्रुव बैनर्जी वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म। एंड फिल्म की जो रिलीजिंग रही थी थिएटर्स में 10 अक्टूबर 2021 में रिलीज हुई थी, एंड विद हिंदी डब वर्जन ऑल्सो रिलीज थिएटिकली ऑन 12 नवंबर 2021 एज ऑफिशियली बाय SVF, एंड इट इज सून टू अराइव एज वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर इन आर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड टीवीज में इन SVF ऑफिशियल विद OTT प्लेटफॉर्म होई चोई, and internationally on Amazon Prime Video and later as World Television Premiere पर आई थी on channels Star Jalsa। With that soundtrack की बात की जाए तो background scoring जो कि compose करी गई थी by Bikram Ghosh और lyrics लिखे गए थे by Srijito और Sugato Guha की तरफ से। Overall दोस्तों फिल्म की जो soundtrack रही है लगभग 15 मिनट का रहा है, जिसमें कि जुदंग देही गाया था निर्मल्या रॉय और शुमान गांगुली ने, वंदे मातरम गाया था निर्मल्या रॉय ने, राशिर गान गाया गया था बाय शुमान गांगुली और उज्जैनी मुखर्जी की तरफ से, विद दैट स्वप्नेरे दिन बाय शुमान गांगुली, जे चलो अमार was also by Shivon Ganguly and Govindo Murari was sung by Iman Chatterjee। आखिर दोस्तों जो फिल्म की स्टारकास्ट रही है, जानते हैं कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका ऑन स्क्रीन पर। तो बात करते हैं दोस्तों देव की, जो कि फिल्म में मेन लीड का रोल निभा रहे थे नागेंद्र प्रसाद का। इज अ नोन फॉर अपने स्टेज नेम देव के नाम से जाने जाते हैं, बट एक्चुअल नेम है उनका दीपक अधिकारी, एक इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और स्क्रीन राइटर है। साथ ही साथ बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने। विद ऑल दिस रिसेंटली एज पॉलिटिशियन भी वर्क कर रहे हैं, ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स। तो वही एक्टिंग डेब्यू हुआ था उनका 2006 की फिल्म अग्निशपथ से अपोजिट रचना बैनर्जी, जिसमें कि उन्होंने फ्लैग फेस करा था अपनी कुछ रिलीज के बाद, और
उनका जो रोल रहा था इन द फिल्म आई लव यू अपोजिट पायल सरकार ब्रेक थ्रू था। डायरेक्टेड बाय रवि किनाजी, फिल्म क्रिटिकली अनसक्सेसफुल थी बट वॉज कमर्शली सक्सेसफुल एंड वॉज क्विक टू रीसेलेक्ट हिज करियर। डिस्पाइट द सक्सेस उन्हें 14 महीने तक कुछ काम नहीं मिला था। फिर उनका कम बैक हुआ था सिल्वर स्क्रीन पर विद द फिल्म प्रेमा कहिनी इन 2008 अपोजिट कोयल मलिक। उनकी पहली फिल्म थी जिसमें कि वो उन्हें काफ़ी इसके बाद काफ़ी सारी फिल्म्स मिली थी। और रीमेक ऑफ द 2006 कन्नड़ हिट मुंगारू मेल फिल्म मॉडरेट सक्सेस रही थी एंड उन्हें अपना अगला ब्रेक थ्रू मिला था विद द फिल्म चैलेंज इन 2009 विच ओपन टू क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस एंड ही रिसीव द आनंदालोक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्शन हीरो फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। एंड कंटिन्यू रहा था उनका सक्सेस कमर्शियल सक्सेस और वाइडर अटेंशन थ्रू हिज सक्सेस फिल्म्स लाइक ले चक्का द्वी पृथ्वी बगलू चैलेंज टू कोका 420 रंगबाज चंद्र पहर एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी फिल्म्स के लिए उन्हें अवार्ड मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेंटोर भी रह चुके हैं ऑन डांस बैंगलोर रियलिटी शो डांस बैंगलोर डांस पर जिसमें कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को रिप्लेस करा था एंड ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है इन द लोकसभा रिप्रेजेंटिंग घाटर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंस 2014 और एज अ कैंडिडेट फ्रॉम द पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अदर देन दिस बात की जाए फिल्म्स की तो काफ़ी सारी फिल्म रही हैं एज एन एक्टर एज अ प्रोड्यूसर स्पेशल अपीयरेंसेस भी रहा है उनका कुछ फिल्म्स में एंड एज अ सिंगर भी रहा है एज अ सिंगर रह चुके हैं इन द फिल्म लाइक चैम कोका बाबू में। तो मैं कुछ म्यूजिक वीडियोस करी हैं फॉर द एल्बम्स लाइक क्रेजी बेरी मिक्स एंड कुछ अननोन रही हैं। विद ऑल दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म की अगली कास्ट के बारे में जो कि थी ईशा शाह इज एन वेल नोन इंडियन एक्ट्रेस इन बंगाली सिनेमा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी विद अ बंगाली टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्किट जो कि डायरेक्ट करा गया था बाय अनिंदिया चैटर्जी एंड उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय फिल्म मेकर ध्रुवो बैनर्जी की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं 2021 में रिलीज हुई बंगाली हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की जिसको डायरेक्ट करा था ध्रुवो बैनर्जी ने और प्रोड्यूस करी गई थी बाय श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी की तरफ से अंडर द बैनर ऑफ SVF। और साथ ही फिल्म में नजर आए थे देव एरिक्स ओनिल अनिल भट्टाचार्य ईशा शाह इंद्रशीष रॉय जॉन भट्टाचार्य मिर्ची अग्नि एंड श्रीकांत भट्टाचार्य। फिल्म बेस्ड थी ऑन अ लाइफ ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी पे जो कि फादर है ऑफ इंडियन फुटबॉल। फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस पे हालांकि टॉनिक भी ब्लॉकबस्टर रही थी बॉक्स ऑफिस पे बट एट द एंड इट्स रन टाइम गोलंदाज वॉज अ क्लीन थ्रेडिकल ब्लॉकबस्टर। सिर्फ इतना ही नहीं फिल्म फेयर अवार्ड बांग्ला 2021 भी विन करा था ध्रुवो बैनर्जी ने फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म स्टोरी लाइन में जो कि बेस्ड रही है ट्रू इवेंट्स पर डिपिक्ट करती है इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी जो कि फादर हैं ऑफ इंडियन फुटबॉल के पहले इंडियन हैं टू प्ले द स्पोर्ट एंड ओपन अ प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब इन द कंट्री। विद दिस कास्टिंग की बात करें तो देव नज़र आए थे इन द कास्ट ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी अंकित मजुमदार एज यंग नरेंद्र प्रसाद एंड विद दैट उनके साथ देखे गए थे
अंकित मजुमदार रंग नरेंद्र प्रसाद के किरदार में और साथ ही एलेक्स ओनेल एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन, अनिर्बुन भट्टाचार्य एज भार्गव उपाध्याय, ईशा साहा एज कामालिनी देवी सर्वाधिकारी यानी कि नागेंद्र की वाइफ के रोल में, इंद्रशेष रॉय एज कैप्टन जितेंद्र बैनर्जी और जॉन भट्टाचार्य एज विनोद भट्टाचार्य, तुम्हें श्रीकांत आचार्य एज सूर्य कुमार सर्वाधिकारी, जॉयदीप मुखर्जी एज प्रसन्ना कुमार सर्वाधिकारी विद दैट। एंड उनके साथ में काफ़ी और स्टार कास्ट रही है, जैसे कि तुलिका बासु एज नागेंद्र मदर, प्रंतिक चौधरी एज देशबंधु चित्रंजन दास, अग्निजीत सेन एज नरसिंह प्रसाद सेन शर्मा, उजान चैटर्जी एज मोनी दास, अमिताभ आचार्य एज सुरो दास, अनिर्बन सिकदार एज दुखी राम, विश्वजीत जाट एज ज्योता दिहारी विद्यार्थ नजर आए थे। और भी जैसे दुलाल दे, देवेश सरकार, जाकिर हुसैन, इंद्रजीत मजुमदार, इजेक तिरिक एज अखिलेश नजर आए, तुम्हें अभिषेक सिंह एज फिलिप। फिल्म की जो प्रोडक्शन रही थी जिसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो लिस्ट था वो रिलीज हुआ था 25 जनवरी 2020 में फ्रॉम द ट्विटर हैंडल ऑफ SVF, एंड दैट लिस्ट शोज दैट देव, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा साहा, इंद्रशीष रॉय, श्रीकांत आचार्य, जॉन भट्टाचार्य आर एक्टिंग इन द फिल्म। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल जो कि रिलीज हुआ था 2 अप्रैल 2020 में रिवील करा था दैट एलेक्स ओनेल स्टार एज मेजर फ्रेडरिक जैक्सन एंटागोनिस्ट ऑफ द फिल्म। एंड ये तीसरी फिल्म है डायरेक्टर ध्रुव बैनर्जी की, पहली बार उनका कोलैबोरेशन रहा था विद देव। हालांकि शूटिंग जो है शुरू हुई थी कोलकाता में फ्रॉम 5 फरवरी 2020 में, कोविड की वजह से उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ी थी बीच में, बट रिज्यूम हो गई थी 1 दिसंबर 2020 में। एंड रैप्ड अप भी हो गया था प्रोजेक्ट शूटिंग बाय 24 फरवरी 2021 तक। विद ऑल दिस जो फिल्म रही है उसको मिले थे पॉजिटिव टू मिक्स रिव्यूज क्रिटिक्स की तरफ से, और प्रेस करी गई थी विद डायरेक्शन, एक्टिंग परफॉर्मेंसेज और म्यूजिक, बट फाउंड द स्क्रीन प्ले फ्लॉड। एंड एट फिल्म फेयर अवार्ड्स बांग्ला 2021 ध्रुव बैनर्जी वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द फिल्म। एंड फिल्म की जो रिलीजिंग रही थी थिएटर्स में 10 अक्टूबर 2021 में रिलीज हुई थी, एंड विद हिंदी डब वर्जन ऑल्सो रिलीज क्रिटिकली ऑन 12 नवंबर 2021 एज ऑफिशियली बाई SVF, एंड is soon to arrive as world digital premiere in our mobile phones, laptops and TVs mein in SVF official with OTT platform Hoi Choi, and internationally on Amazon Prime Video and later as world television premiere par aayi thi on channels Starz also. With that soundtrack ki baat ki jaye to background scoring jo ki compose kari gayi thi बाय विक्रम घोष और लिरिक्स लिखे गए थे बाय श्रीजितो और सुगातो बुआ की तरफ से। ओवरऑल दोस्तों फिल्म की जो साउंड ट्रैक रही है लगभग लगभग 15 मिनट का रहा है, जिसमें कि जुदंग देही गाया था निर्मल्या रॉय और शुमान गांगुली ने, वंदे मातरम गाया था निर्मल्या रॉय ने, राशिद गान गाया गया था बाय शोमान गांगुली और उज्जैनी मुखर्जी की तरफ से, विद दैट स्वप्नेरे दिन बाय शोमान गांगुली, जे चलो अमार वाज आल्सो बाय शोमान गांगुली, एंड गोविंदो मुरारी वाज संग बाय इमान चटर्जी। आखिर दोस्तों जो फिल्म की स्टार कास्ट रही है जानते हैं कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका ऑन स्क्रीन पर। तो बात करते हैं दोस्तों देव की, जो कि फिल्म में मेन लीड का रोल निभा रहे थे नागेंद्र प्रसाद का।
इज अ नोन फॉर अपने स्टेज नेम दीप के नाम से जाने जाते हैं, बट एक्चुअल नेम है उनका दीपक अधिकारी, एक इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और स्क्रीन राइटर है। साथ ही साथ बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने। विद ऑल दिस रिसेंटली एज अ पॉलिटिशियन भी वर्क कर रहे हैं, ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स। तो वही एक्टिंग डेब्यू हुआ था उनका 2006 की फिल्म अग्निशपथ से अपोजिट रचना बनर्जी, जिसमें कि उन्होंने फ्लैट फेस करा था अपनी कुछ रिलीज के बाद। और उनका जो रोल रहा था इन द फिल्म आई लव यू अपोजिट पायल सरकार ब्रेक थ्रू था। डायरेक्टेड बाय रवि किनाजी, फिल्म क्रिटिकली अनसक्सेसफुल थी बट वॉज कमर्शली सक्सेसफुल एंड वॉज क्विक टू रीसेलेक्ट हिज करियर। डिस्पाइट द सक्सेस उन्हें 14 महीने तक कुछ काम नहीं मिला था। फिर उनका कम बैक हुआ था सिल्वर स्क्रीन पर विद द फिल्म प्रेमा कहिनी इन 2008 अपोजिट कोयल मलिक। उनकी पहली फिल्म थी जिसमें कि वो उन्हें काफ़ी इसके बाद काफ़ी सारी फिल्म्स मिली थी। और रीमेक ऑफ द 2006 कन्नड़ हिट मंगारू मेल फिल्म मॉडरेट सक्सेस रही थी एंड उन्हें अपना अगला ब्रेक थ्रू मिला था विद द फिल्म चैलेंज in 2009 which opened to critical and commercial success and he received the Anandalok award for best action hero for his performance in the film and continue raha tha unka success commercial success or wider attention through his success films like Le Chakka, Dui Prithvi, Baglu, Challenge 2, Koka Chasubis, रंगबाज, चंद्र पहर एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी फिल्म्स के लिए उन्हें अवार्ड मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेंटोर भी रह चुके हैं ऑन डांस बैंगलोर रियलिटी शो डांस बैंगलोर डांस वर्ल्ड, जिसमें कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को रिप्लेस करा था एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन द लोकसभा रिप्रेजेंटिंग घाटर कॉन्स्टिट्यूएंसी since 2014 and as a candidate from the party All India Trinamool Congress. Other than this, बात की जाए फिल्म्स की तो काफ़ी सारी फिल्म्स रही हैं as an actor, as a producer, special appearances भी रहा है उनका कुछ फिल्म्स में and as a singer भी रहा है as a singer रह चुके हैं in the film like Champ, Koka Babu में। तो मैं कुछ म्यूजिक वीडियोस करी हैं फॉर द एल्बम्स लाइक क्रेजी बेरी मिक्स एंड कुछ अननोन रही हैं। विद ऑल दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म की अगली कास्ट के बारे में, जो कि थी ईशा शाह, इज एन वेल नोन इंडियन एक्ट्रेस इन बंगाली सिनेमा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी विद बंगाली टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्किट, जो कि डायरेक्ट करा गया था बाय अनिंदिया चैटर्जी एंड उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय फिल्म मेकर ध्रुवो बनर्जी की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं 2021 में रिलीज़ हुई बंगाली हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की, जिसको डायरेक्ट करा था ध्रुवो बनर्जी ने और प्रोड्यूस करी गई थी बाय श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी की तरफ से। अंडर द बैनर ऑफ SVF और साथ ही फिल्म में नज़र आए थे देव, एरिक सोनल, अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा शाह, इंद्रशीष रॉय, जॉन भट्टाचार्य, मिर्ची अग्नि एंड श्रीकांत भट्टाचार्य। फिल्म बेस्ड थी ऑन अ लाइफ ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी पे, जो कि फादर है ऑफ इंडियन फुटबॉल। फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस पे, हालांकि टॉनिक भी ब्लॉकबस्टर रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बट एट द एंड इट्स रन टाइम गोलंदाज वॉज अ क्लीन थ्रेडिकल ब्लॉकबस्टर। सिर्फ इतना ही नहीं